गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत। मैं विजेंद्र पटेल। तो आज हम दोनों मिलकर गुरु नीति का 10वां एपिसोड है वो शूट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 9 एपिसोड है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। 10वें में टोटल हम 28 क्वेश्चंस है वो अच्छे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो नीट में आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। और चूंकि आप जानते हैं सेंट्रो पास नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इजी टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको करने भी हैं, गलत भी नहीं करने हैं क्योंकि स्कोरिंग आपका होता है टॉपिक। ओके, तो प्रैक्टिकल इसको अपन स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ सर, और इसमें जो मैं बताना चाह रहा था बच्चों, जैसे इसमें हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपको पता है कि नीट की जो रैंक है वो बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सर, करिए। बिल्कुल, तो पहला क्वेश्चन अपना है, इसको क्वेश्चन को तो आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट की आप देखो ये डायमेंशन है ए और ये इसके डायमेंशन है बी। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसका 1/4 पार्ट यहां से काट के अलग कर दें तो बचे हुए भाग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो एक तो क्वेश्चन देखो, इसमें आगे भी अपन डिस्कस करने वाले होंगे। इसमें मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को अपन बी मान लें, इसको अपन सी मान लें, इसको अपन डी मान लें, तो पूरी जब आयताकार प्लेट एक साथ होगी तब तो एक सिमेट्रिकल सिस्टम होगा और इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। पर जैसे इसका ये पार्ट अपन यहां से अलग कर देंगे तो आप जानते हैं कि अब सिस्टम का जो रिमेनिंग सेंटर मास की लोकेशन होगी वो हमेशा मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस किसी डायरेक्शन में, मतलब ओ ए लाइन पे। बिल्कुल, ओ ए लाइन पे ये पहुंच जाएगा। अब कहां होगा ये अपने को या तो पूछेगा डिस्टेंस या जो पॉइंट यहाँ पे सेंट्रो मास बन गया इसका पूछेगा अपने को कोऑर्डिनेट्स। मतलब इससे तीन क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएंगे वो, yes, या किस लाइन की तरफ अलाइन होगा, शिफ्ट होगा, और एक कोऑर्डिनेट के रूप में, एक कोऑर्डिनेट के रूप में आ जाएगा। अब सुनो कि चूंकि हमारा जो ऑप्शन इसमें है वो कोऑर्डिनेट के रूप में है तो आपकी अप्रोच किससे स्टार्ट हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए बेटे जी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बेसिक जो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सेंट्रो मास की जो लोकेशन आप पढ़ते हो, जैसे RCM इज इक्वल टू आप पढ़ते हो M1R1 प्लस M2R2 अपॉन ये आपका हो गया M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूले को आप हर तरह से इस्तेमाल लेना सीखो। कैसे, ध्यान देना। अगर मान लो मैं यहां पर ये कहता हूं कि मेरे पास बहुत से पार्टिकल्स का एक सिस्टम है और आप में उसमें उस सिस्टम का सेंट्रल मास का लोकेशन निकालना है तो सिस्टम में आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। आप इसी को टाइम के साथ कर दो डिफरेंशिएट, इसका वीएस वीसीएम के रूप बदल जाएगा, फिर इसको और करो तो आपका एसीएम बन जाएगा। यहां देखो अगर वीसीएम लिखता हूं तो क्यों पटेल से क्या बदल जाना चाहिए इसको M1 और ये फिर इसका डिफरेंशिएशन भी आप करोगे R1 और R2। तो R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी, और R2 का करेंगे वो भी वेलोसिटी बन जाएगी। उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एसएमएस बन जाएगा। तो मतलब इससे एसीएम भी आ जाएगा हमारे पास। इसमें अगर चाहे तो ये बन गया आपका वीसीएम इज इक्वल टू क्या बन गया M1V1 वेक्टर प्लस M2V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, और इस तरह से इसका एसीएम बन जाएगा M1A1 प्लस M2A2 अपॉन दिस। एक्चुअली होता है क्या है कि जब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो एक टॉपिक में इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे अपने को बचना पड़ेगा। तो कैसे बचें, देखो अब इसी में मान लो मैं इसके साथ कोई पार्ट ऐड करता हूं या कोई इसमें रिमूव करता हूं तो बस इतना काम करा करो कि प्लस माइनस, मान लो आप ऐड कर रहे हो तो मान लो कोई पार्ट मैंने ऐड किया तो उसमें M3 और उसके जो बॉडी है उसका खुद का सेंटर मास उसके कोऑर्डिनेट क्या है उसका आपको यहां यूज करना पड़ेगा। आप मान लो माइनस करते हो तो माइनस कर दो इसमें M4R4, और इसमें भी आपने इसको प्लस किया तो M3 कर दो बेटे जी, और आपने माइनस किया है तो कर दो इसमें से M4। अच्छा, ये सारा एक कांसेप्ट है, मतलब जो ऐड करना है उसको ऐड करते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमने काट के निकाल लिया उसको माइनस कर दो, माइनस कर दो। हाँ ठीक है सर, तो बहुत सिंपल, आप एक ही फॉर्मूले में सब कुछ हो गया, एक ही फॉर्मूले में, कहते ना उसमें सागर में गागर। बिल्कुल, आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में, तो देखो इसको अपन एक बार हटा दें। हाँ सर, आ जाओ। मान लो हमारे पास सिस्टम था, काटने के बाद बचा क्या, तीन इसके पार्ट बच गए। इस वाले का मास मान लेता हूं जो यहां पर है सेंट्रो मास, इसका सेंट्रो मास यहां, इसका सेंट्रो मास यहां होगा। ये डिस्टेंस पूरी हमारे पास कितनी a है, a by 2, ये a by 2, ये a by 4, a by 4 हो जाएगा, और इधर से ये b by 4 हो गया। तो इसका हां, और देखो ये आपको दे रखा है x y, इसलिए ये आपका है ओरिजिन,
ये ओरिजन मान लिया, और इस ओरिजन के रेस्पेक्ट में अपने को जैसे इस वाले पार्टिकल को मान लू मैं, इसका मास m1 सिमेट्रिकल है इसलिए, और ये भी m, और इसको मान लिया अपन m। अब नवनी कर दें, मान लो फर्स्ट ये सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड, ये अपने m ही मानेंगे, इसको m ही मानेंगे, इसको अपन m मान रखा है क्योंकि सब सिमेट्रिकल हैं और बराबर मास के हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये लो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा बड़ा है तो दोबारा ले देते हैं। आ जाओ, ये मास m और ये भी कौन सा आपका m, m हो जाएगा। अब तीन हमारे पास पार्टिकल से बना निकाय हो गया, अब इसके बस कोऑर्डिनेट आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ये दोनों कैसे, इसका a by 2 तो माइनस, मतलब ये x में x एक्सिस में नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव, और y प्लस, ये प्लस, और दोनों इसके ये आपका ये माइनस, ये भी माइनस, इसका ये प्लस और ये माइनस, और फॉर्मूला आप लिख करके सॉल्व कर दो। देखो RCM बराबर ये आपका m1 r1 प्लस m2 r2 और प्लस m3 r3 अपॉन, अब तीनों m ही तो है ना, m प्लस, या इसको चलो m प्लस m प्लस m, फॉर्मूला तो इसका ये बनेगा, वैल्यू अपन पुट करेंगे तो इसकी बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपने बना लिया, चलो इसका अपन पेज खाली कर लेते हैं, मतलब तीन पार्टिकल है, तीन तीन पार्टिकल आपने मान लिए थे, बिल्कुल, और तीनों के लिए आपने लिख दिया m1 r1 m2 r2 plus m3 r3 divided by m1 plus m2 plus m3। अब इसकी पर वैल्यू पुट कर दें, तो RCM बराबर सम ऑफ मास तो कितना हो गया 3m, ये तो 3m हो गया, और ये आपका m, तो हमने इसकी नंबरिंग कर रखी थी 1, इसकी कर रखी थी 1, इसको मैं एक बार मैं देख लेता हूं, मैं बता, देखो अपने यहां आ गया ना, वापस ले ले इसको, अपन पैक कर लिया, तो फर्स्ट वाले में कितना, देखो ये हो गया माइनस का a by 2, माइनस का ए, ये आ जाएगा हमारे पास ए बाई फोर, और ये आपका बी बाई फोर, और दो ये माइनस का और ये प्लस, प्लस का, तो देखो तो ये लो इसका इस तरह पर लिखें तो ए बाई फोर, ए बाई फोर माइनस का आई के, आई के फिर प्लस बी बाई फोर, ये प्लस का जे के। ठीक है सर, ठीक है, और उसके बाद आगे लेते हैं तो माइनस सेम रहेगा एम एम, और दूसरा पार्टिकल है उसमें देखें आप, तो ये तो नेगेटिव x और y दोनों नेगेटिव, हाँ, इस दोनों नेगेटिव हो गए, तो इसको लिखें अपन, देखो b by a by 4, a by 4 माइनस का i cap i k, फिर और प्लस b by 4 और माइनस का j k प्लस, अब तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा लिखते हैं, उसमें से x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, नेगेटिव है, तो मास तो m ही है, मास m ही है, यस, तो ये हो गया आपका a by 4 a by 4 i k i cap और b माइनस का हो गया, हाँ, या माइनस 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 b by 4 j k j k, ये इसका थोड़ा सा एक लंबा सा फॉर्मूला बन गया, अब इसमें आपको सॉल्व करना है, तो देखो जो इसमें पटेल सर थोड़ा ध्यान दो कि इसमें गलती ना हो जाए अपनी, हाँ सर, अपने लोग अब इसको जैसे a by 4 वाले हैं, यस, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो आई वाले हैं ये तो सब नेगेटिव में आ रहे हैं, सब नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 a by 4, लिख लीजिए एक बार सर, 3 m m a a by 4 और माइनस का i माइनस का i के i के हो गया, बिल्कुल ठीक है, देखो इसमें ये भी माइनस का है, तीनों माइनस में, आई वाला ये माइनस एक एक प्लस एक प्लस का, एक कट गया ना सर, तो एक कट जाएगा तो एक हट जाएगा, थ्री नहीं आएगा, तो ये थ्री इसका अपन इसको दोबारा लिख दें, देखो तो इसमें ऐसे देखें ना अपन कि ये तो आपका आई माइनस, ठीक है, इसका माइनस इसका प्लस, तो आई से एक आई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ओनली एक ही आई बचा, बचा कौन सा माइनस का, तो आप देखो इसमें तो आपका है 3m, ये तो 3m आ गया, हो गया आपका m into a by 4 a by 4 माइनस का i का, ये बचेगा प्लस m into, अब b वाला चेक करते हैं, b वाला देखो इसको अपन यहीं देख ले एक बार, यहीं देखे ना तो और अपने को ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा तो जो अभी आपने बताया था मतलब इसका, हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, तो सही है, फिर इससे लेके इसमें इसका ये b वाला कैंसिल, हां इसका b कैंसिल, ओनली क्या बचा, माइनस का b बच गया, माइनस का b बचा, बिल्कुल, देखो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो m into माइनस का b by 4 b by j k j k, अब यहां से m कॉमन लिया इससे m कैंसिल हो गया, अब देखो हो गया ना आंसर कितना, ये 4 upon 3 तो a upon 12, ठीक है, a upon 12 b upon b 12, तो जो कोऑर्डिनेट आपके बने वो देखो बन गए आपके यहां पर a upon 12 माइनस का i k और प्लस का b upon 12 माइनस का j k j k, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस की लंबी है, पर देखो तो लास्ट में आपने इसको सीखा ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन गया कि जैसे मैंने आई को चेक करा
कितने आए थे, 3 आए थे, 2 उसमें से आपके कैंसिल हो, प्लस माइनस के एक माइनस बच गया। और इस तरह से बी वाले भी 3 थे, उसमें से 2 थे माइनस के, 1 था प्लस का, वहां भी 2 में से 1 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आप रख लिया तो आप तुरंत उसको टिक कर सकते थे। अगर मतलब प्रैक्टिस बच्चा करेगा तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर लिख देगा कि इसमें ये कटिया। हाँ, अब देखो मैं एक चीज और सिखाता हूं इसमें, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अपन और टाइम देंगे आपको। जैसे ओनली समझने की बात, मान लो एक मास यहां पर है स्मॉल एम, ये मास है स्मॉल और ये भी आपका मास है स्मॉल एम। ध्यान करना, अगर हमसे पूछे कि सेंट्रो मास की शिफ्टिंग कहां हुई है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसको अपन बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ध्यान करो, आप जानते हैं दो मास अगर सेम हो तो उनका सेंट्रो मास कहां होता है, हमेशा उनके मिड में मिड में होगा। तो इस एम को, इस एम को अपन यहां कंसंट्रेट मान सकते हैं और ये मास हो गया 2m। ठीक है सर, क्यों पढ़े सर? अब देखो यहां मैं 2m मान लूं, यहां m मान लूं, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितने, देखो ये डिस्टेंस पूरी की दी, डिस्टेंस कितनी है, b / 2 है, b / 2 है और ये a / 2 है। हां, तो ये डिस्टेंस आपकी है a / 2, a / 2। अब अगर हमको ये डिस्टेंस पूरी मिल जाए, उसका अपन आधा कर लें, ध्यान सुनना इस बात को, मतलब आप इसका डायगोनल निकालना चाहते हैं। हां, अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए तो आप अच्छे वाले इक्वेशन जो मान लो यहां m मास है, यहां आपका 2m मास है, और अगर ये डिस्टेंस आपको मिल जाए और फिर अपन यहां से सेंट्रो मास कितना, देखो अगर ये सेंट्रो मास में देखूं, ये सेंट्रो मास यहां से किस डिस्टेंस पे है, आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये मास, ये डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस से गुणा करते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जैसे टोटल सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये शिफ्टिंग कितनी हुई, तो एक तरीका तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, तो अपन आगे बढ़े। तो सर, जैसे किशोर सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आपने एक ही वाला ये तरीका बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन आपका, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कि मतलब अगर मुझे इसमें ये हमसे सिर्फ शिफ्टिंग पूछी गई है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर मान लो मैं अगर इसमें आरसीएम लिखूं इस तरीके से, यस, मतलब एरिया के फॉर्म में लिख रहे हैं अपने लोग, ए ए वन आर वन माइनस ए टू आर टू अपॉन अपॉन ए वन माइनस ए टू ए टू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें डेंसिटी तो सबकी सेम दे रखी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, yes। तो अगर मैं इसका एरिया, ये जो ए वन है, ये टोटल एरिया मान लेते हैं, बिल्कुल, और आपने बोला था कि जो काट के निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने इसको ए टू, इसको ए टू मान लिया, इसमें हमने काट दिया इसे, yes। तो इसको मैंने माइनस लिख दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर, और ये मेरे पास ए वन माइनस ए टू आ जाएगा, और इसको अपने लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिख दें तो इससे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस पहले क्वेश्चन का और टाइम दे दूं, तो जैसे पहले सर हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूला बनाया था ना, अगर उसी को थोड़ा सा अपन और अच्छा कर दें तो बच्चों का बहुत ही शानदार भला हो जाएगा। देखो कैसे, कि जैसे मैं बात करता हूँ आरसीएम की, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था एम वन आर वन, ये जो, और मैं लिखूं यहाँ पे देखो एम वन, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो एक थोड़ा और ऐड कर दूं एम टू आर टू, ये आपका एक निकाय बन गया एम वन और एम टू का, एम टू का, ठीक है। अब कणों का निकाय है या कोई मान लो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई छड़ है, कोई प्लेट है, या कोई मान लो हमारे पास एक आयताकार, या कोई हमारे पास एक कोई चकती है, कोई रिंग है, या कोई हमारे पास एक ठोस गोला है, ठीक है, उसका अपन कोई पोर्शन काट के अलग करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वहां पर देखो मैंने बताया था आपको प्लस माइनस, मैं कर दूं यहाँ पे एम थ्री आर थ्री अपॉन ये प्लस माइनस आपका एम थ्री आ गया, एम थ्री आ गया। अब जो आपने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, मतलब इसी में उसको समाहित करने की कोशिश करूं, तो देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ध्यान सुना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर पढ़ते हैं, वो तीन तरह से होता है, या तो लैम्डा के फॉर्म में, या आपका सिग्मा और रो के फॉर्म में। अच्छा, मतलब या तो लीनियर डेंसिटी होगी, सब पे ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला सब पे काम कर जाएगा। तो मान लो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस समय इसको अपन कैसे लिख देंगे, लैम्डा वन, ठीक है, लैम्डा वन आर वन, ठीक है, लैम्डा टू, इस रूप में हटाने वाले को तो कर दो माइनस, जोड़ने वाले को कर दो प्लस, और अगर आप इसमें सिग्मा यूज करते हो तो आप जानते हो सिग्मा वाले में, आप जानते हो सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, तो मास कितना, सिग्मा इनटू ए, सिग्मा को अपन मानेंगे कांस्टेंट, तो आप इसी को बदल दो पूरे को, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू प्लस माइनस ए थ्री आर थ्री, मतलब अगर माइनस होगा तो उसको माइनस माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, अगर काट के निकाल दिया गया तो मतलब माइनस मानना है, बिल्कुल, और अगर जोड़ दिया गया है तो उसको प्लस मान, प्लस कर, मतलब जैसे नंबर जोड़ते हैं वही है ना, बस बिल्कुल वैसे, ठीक है, बस ये है कि आर वन क्या है, आर टू क्या है, आर थ्री क्या है, वो जो भी पार्ट आपके हैं उसका खुद का, जो अगला अपना खुद का स्वयं का सेंट्रल मास होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे,
इनको आपको ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा। और नीचे मास भी आप उसी रूप बदल लेंगे, मान लैम्डा के रूप में लैम्डा वन उस रूप में आ जाएगा, और अगर सीमा के रूप में सीमा वन यानी ए सॉरी मास तो किसी एरिया के प्रोपोर्शनल है आपका ए वन ए टू प्लस माइनस, और अगर ये डेंसिटी के रूप में है तो सारे मास वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएंगे। वॉल्यूम से रिप्लेस करते हैं तो वहां पे जैसे मैंने a1 लिखा तो वहां पे अपन लोग लिख लेंगे b1 r1 हां b1 r1 v2 r2 प्लस माइनस v3 माइनस v3 r3। इस सब पूरे लेक्चर पे आप इसको आराम से ला सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन में तुमने बहुत कुछ कई कॉन्सेप्ट सीख लिए, बिल्कुल बिल्कुल इन सारों को वहां पे काम में लेना है। ठीक है तो बढ़े आगे, हां आगे बढ़ते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सेकंड सर आप इस पे थोड़ा सा नजर डालें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ए सेल ऑफ मास 5m एक्टेड अपॉन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स एंड इनिशियली एट रेस्ट वर्स्ट इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m 2m एंड 2m रेस्पेक्टिवली। The first two fragments move in opposite direction with velocities of magnitude 2b and v respectively. The third fragments will be. ठीक है? तो अब सर इसमें देखो हमारे क्या दे रखा है कि मास हमें दे रखे हैं और ये और टोटल मास हमें दे रखा है 5m. Yes. ठीक है? अब इसमें सिंपल सा बोल दिया कि no external force. एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, नहीं है तो आप लोग एक तरीका लगा सकते हैं कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं इसको बिल्कुल। ठीक है अब इसमें हम लोग देखो बोल क्या रहा है आगे पढ़ते हैं। ये बोला फर्स्ट टू फ्रेगमेंट्स मतलब पहले दूसरे की बात कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है बिल्कुल ये अपोजिट अपोजिट हाँ, और उनकी वेलोसिटी हमें रखी कितनी 2b एंड v रखी है तो थर्ड वाली भी निकालनी है बिल्कुल। तो पेश कर दूं आपके लिए एक सर एक डेटा यहां ध्यान रखना, चलो ठीक है डेटा हम आपको हेल्प कर देंगे आप तो लिखो। तो अब जैसे अपने लोग बात करते हैं दो बोल दिए दो पार्टिकल अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल, तो एक को अगर मैं ऐसे इजीली मान लूं एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है यस ठीक है, और इसका जो अपने लोगों को मास दिया गया पहले वाले का इसको अगर मैं मान लूं m और इसका मास मान लेता हूं मैं 2m बिल्कुल ठीक है सर, और इसकी हमें जो स्पीड दे रखी है जो 2b ये इसका दे रखा है 2b उसका भी और इसका भी दे रखा है बिल्कुल ठीक है, और तीसरे वाले को अपने लोग जनरल मान लेते हैं कि तीसरा वाला जो है वो कहीं इधर जा रहा है बिल्कुल, उसके बाद देख लेंगे उसके बाद बात कर लेंगे ठीक है। तो इनिशियल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, वो रेस्ट में था हाँ, तो पीआई जो मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था जीरो लिख लेंगे उसे बिल्कुल। तो अपने लोग लिख लेते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपने लोग लिखे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यस मतलब संवेग वाला रूल लगा रहे हैं हम लोग ठीक है सर। तो अगर मैं लिख देता हूं पी इनिशियल और ये क्या होगा p फाइनल के बराबर होना चाहिए बिल्कुल ठीक है सर, और ये हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम या जो संवेग है वो क्या है वेक्टर है वेक्टर। तो मैंने इसे वेक्टर मान लिया बिल्कुल ठीक है, वेक्टर का निशान लगा दिया तो ये तो जीरो है ही बिल्कुल, तो ये तो जीरो लिख दिया। अब इसको हम लोग शॉर्ट में अगर मैं अब इसको x एक्सिस मान लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं आई कैप इधर और इसके अपोजिट चल रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा, और इसके बारे में पता नहीं इसको तो हम लोग p3 मान बिल्कुल ठीक है सर, ये p3 हो जाएगा p3 वेक्टर मान लिया। अब देखते हैं क्या आता है जो भी है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ये 2m और b आई कैप आ गया सिंपल सा सही है सही है बिल्कुल सही है। अब ये अपोजिट चल रहा है तो अगर आपने वेक्टर ले लिया तो फिर साइन उनका ध्यान ही रखना जो भी जैसा दिया है साइन के साथ बिल्कुल रख देंगे इसको, तो ये m लिखा हमने ये 2b लिखा और यहाँ माइनस आई कैप आ गया और थर्ड को आपने माना p3, थर्ड वाले का कुछ पता नहीं है जो अननोन है उसके बारे में हम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो ये p3। तो अब सर इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये खत्म हो गया यहाँ से देखो दोनों इक्वल हैं खत्म हाँ, ये तो कैंसिल हो गया, इसको लिख दूं अब आपकी हेल्प कर दो फोर्स से p3 बराबर तो जीरो हमारा जीरो आ गया। जब इसका संवेग जीरो है तो वो तो रेस्ट में रहेगा तो मतलब ये चलेगा ही मास तो कुछ जीरो हो नहीं सकता, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आंसर सर है इसका बी एट रेस्ट मतलब आंसर हो जाएगा हमारा यस यस थर्ड बी एट रेस्ट मतलब ये हमेशा विराम में रहेगा। तो इसमें सुंदर सी बात ये थी कि आपको पहले देखना है कि सिस्टम कैसे था रेस्ट में था, सिस्टम रेस्ट में था और जो आप कभी भी देखते हो कि जो विस्फोट होता है वो हमेशा आंतरिक बलों की प्रेजेंस में होता है और एक सिस्टम के लिए आंतरिक बलों का नेट हमेशा जीरो होता है, और जब सिस्टम में आंतरिक बलों का जब आपका नेट फोर्स जीरो होता है तो हमेशा आप जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसको अप्लाई कर सकते हो, और वो भी तो सिंपल सा ऐसा ने कहा कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल आराम से इसका आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बढ़ते हैं लोग हाँ क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड में आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोर्स इनटू 3 इक्वल पीसेस, टू ऑफ द पीसेस फ्लाई ऑफ इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वन विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस एंड द अदर इज वेलोसिटी ऑफ दिस, 3 kg का ब्लॉक था
दो इक्वल मास के पार्ट बने, उसमें से एक की स्पीड हमारे पास ये है, दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी 4 है। तो पूछा आपसे कि द एक्सप्लोजन अकर्स इन दिस टाइम इंटरवल द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पीस इन न्यूटन इज, ध्यान करो आपसे पूछा कि तीसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगा, तो तीसरे पार्टिकल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितना उसका टाइम इंटरवल है। तो अब जानते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ फोर्स होता है मोमेंटम, बिल्कुल। तो इसको अपन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, हो गया आपका। उसमें सर किशोर सर ये बोल रहे हैं जो मास है वो तीनों इक्वल है, इक्वल बिल्कुल, एक डेटा हमें और मिल, बिल्कुल। तो इसको अपन चेक कर लें, फटाफट दे दो। हां सर, तो आप मान लो ये कोई हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका मास था 3 केजी और इसका हुआ यहां पर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन दो पार्टिकल बन गए, इसका मास आपका 1 केजी और दूसरा भी कितना है आपका 1 केजी, 1 केजी, और इसकी स्पीड जो पहले की है 3 आई केप और इसकी है आपकी 4 आई केप, 4 जे केप, 4 सॉरी जे केप, 4 जे केप, 4 जे केप, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 3 आई केप, 3 आई केप, इसका मोमेंटम हो गया 4 जे केप, हो गया दोनों आपस में म्यूचुअली है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3ik plus 4jk। तो अगर मैं थर्ड पार्टिकल अभी जैसे पहले पटेल सर डिस्कस कर रहे थे, तो इसका p1 है, ये p2 है, और आप जानते हैं इनिशियल रेस्ट में था, तो अपन उसी को डायरेक्ट लगा दें कि p initial equal to p final। तो आपने कहा कि p initial तो जीरो था, इसलिए मैं इसको लिख दूं p1 plus p2 plus p3। तो p3 हमारे पास कितना है, देखो p3 हमारे पास आगे नेगेटिव ऑफ p1 प्लस p2, और आपको ये भी मालूम है दोनों का नेगेटिव हो गया, दोनों का नेगेटिव हो गया, दोनों को प्लस का नेगेटिव कर दो, तो माइनस का 3ik प्लस सॉरी माइनस का ही 4 jk। ये है तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, बाद का मोमेंटम, बाद का आ गया विस्फोट होने के बाद मोमेंटम है, और उसका विस्फोट से पहले कितना था, जीरो था, वो तो जीरो था, रेस्ट पे था, बिल्कुल। तो अब हमसे पूछा कि उस थर्ड वाले पे कितना फोर्स लगा, तो उस थर्ड वाले पे फोर्स निकालना है, तो उसका कितना मोमेंटम चेंज है, और अपॉन आप टाइम से कर दो डिवाइड बाय, मतलब ये आपने न्यूटन से सेकंड लॉ लगा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसके ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, इसमें से कर दो मैं टाइम को डिवाइड कर दो बस, ये देखो आप सिंपल, ये हमारा है तीसरे पार्टिकल मोमेंटम और फाइनल है, ठीक है, और पहले कितना था, जीरो, जीरो था। तो अगर मैं इसमें से जीरो घटाता हूं तो जीरो यही बचेगा, बिल्कुल, माइनस का 3 आई के माइनस का 4 जे के अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है सर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया, हाँ, इसका मोड निकालना है, आंसर के रूप में हमें अगर इसको लिखेंगे, बिल्कुल, तो आंसर हमें जो दे रखा है ना सर, ये घात जो है ऊपर जाएगी, बिल्कुल। तो इसको अपन ऐसे कर दें, माइनस का 3 आई के माइनस का 4 जे के इनटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, हाँ, ये इसका आंसर किस रूप में है, देखें आंसर सर इसका है वेक्टर में है, हाँ, तो आंसर कौन सा आ गया अपना, फोर्थ, बिल्कुल फोर्थ हो गया। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, देखो इसमें आपने COLM भी अप्लाई कर दिया और साथ में किसी एक पार्टिकल पे आप एक फोर्स ही पूछ लिया, तो बहुत सुंदर सा एक प्रश्न बन गया और सुंदर सा अपने एक एक्सप्रेशन भी आपको दे दिया कि मतलब वहां न्यूटन का जो रूल लगाया हमने ये वाला, ये कांसेप्ट बहुत बढ़िया है बच्चों, बिल्कुल, इसको आपको ध्यान रखना है, हां, पर ये वेक्टर फॉर्म में है, ये आप ध्यान रखते हैं। अच्छे बच्चे आप बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ, तो सर, हाँ सर, आप इसको करें इसमें, तो ये बोला ए दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.4 केजी ऑफ गैसेस पर सेकंड एट ए वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड द एक्सेलरेशन द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट। तो देखो बच्चों इसमें जो हम लोग से बात करें ना, देखो हर जगह तो अपने लोगों ने अभी डिस्कस करा था उसमें मास कांस्टेंट था, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें एक चीज दे रखी है ये केजी ऑफ गैसेस पर सेकंड चल रहा है, बिल्कुल सही है, और वेलोसिटी मगर इसमें हमने कांस्टेंट दे रखा है। तो अगर मैं अपने बात करें तो एफ इक्वल टू हम जो लिखते हैं वो क्या लेके चलते हैं हम लोग, डीपी बाय डीटी, डीटी लेके चलते हैं, बिल्कुल, और पी को हम लोग एमवी मानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसको मैं बेसिक अपने लोग लेके चले तो एम इंटू वी इंटू डीटी, और इसमें अपने लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल। भी पटेल सर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वास्तव में जो रियल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये वही है, हाँ, मतलब आप जैसे आपने लोग बात करें तो कहीं जो पर भी किसी भी कंडीशन में जो फोर्स अपन निकालते हैं फोर्स का वास्तविक फॉर्मूला बन गया। अब देखो अपन जानते हैं m कांस्टेंट है कि v कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है, जैसे भी होता है वो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अपन काम ले लेते हैं, बिल्कुल। आप एक बार अपन लोग अगर बेसिक से सर बात करें तो इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के दो सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पहले फंक्शन को ऐसे रख लेते हैं और ये dy dt, सही है सर, बिल्कुल, और फिर अगर मैं इसको दूसरे वाले को ऐसे लिख लेता हूं तो ये dm / dt हो जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब ये अपना सही बन गया, ठीक है। इस प्रश्न में सर कांस्टेंट क्या लग रहा है आपने को,
तो कांस्टेंट तो इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये जीरो जाना चाहिए। हाँ ये जीरो हो गया, बिल्कुल बड़ा आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास जो अब f आ गया वो हमारे पास क्या बन गया, b dm / dt, dt बन गया बिल्कुल। ठीक है अब हमें b कितना बोल रहा है इसमें दे रखा 400 SI में है, कुछ चेंज भी नहीं करना। और ये हमें कितना दे रखा है 0.05। तो इसको सीधे लिख देते हैं, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी कितना आ गया, ये हमारे पास 1 सेकंड आ गया, और ये हमें बोल रहा है डेल्टा है मास, ये कितना दे रखा है 1/60। और अगर टोटल मास मान लेता हूं मैं m नॉट, तो m नॉट / 60 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं अगर इसमें बात करूं तो मतलब अगर इसको रेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कैसे से करते हैं कि डीएम जो भी चीज है उसको टाइम से डिवाइड कर दें। सही है, तो अगर मैं इसको डीएम / डीटी कर दूं मतलब तो ये पर सेकंड आ गया, या तो इसे पर सेकंड बोलूं या मैं बोलूं एक सेकंड कितना निकल रहा है। यस, तो ये कितना हो जाएगा एम नॉट / 60। सही है सर, टाइम 1 सेकंड है, टाइम 1 सेकंड इसकी रेट हो गई। हाँ तो ये रेट आ गई इसकी, बिल्कुल। अब ये जो भी फार्मूला लगाया उसको लगा दें इसमें, बिल्कुल। आपको इसे पूछा क्या मेनली, एक्सेलरेशन पूछा, तो बिल्कुल आप इसको हाँ। अगर हम लोग f की बात करें तो लिखेंगे b dm / dt। यस, तो अगर b हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 2400, और dm दिया हुआ है m नॉट / 60। तो अब देखो सर यहाँ तो अपने लोगों ने सही कर लिया, ठीक है। अब मगर हमारे बात किसकी हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन या आप लोग बोले त्वरण, ये पता करना है। तो f को मैं m ही लिख सकता हूँ, m नॉट a। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, पहले इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो आ गया 40। तो f इक्वल टू जो हमारे पास बना वो 40 m नॉट बन गया। यस यस, और ये इनिशियल अपने लोगों ने मास माना था, तो इसको अपने लोग m नॉट इनटू a 40 m नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो a कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल मीटर भी लिख देते हैं पर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे आंसर हो गया, आंसर हो गया थर्ड। ठीक है तो सर चेक कर लो इसका आंसर सही है क्या। हाँ सर बिल्कुल, आंसर 40 आ रहा है पर सेकंड स्क्वायर, 40 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, सही है सर। ओके तो बढ़े अपन अगले क्वेश्चन में, आगे बात करते हैं आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन, देखो आप ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग कैरियर कैरीज ए स्ट्रिंग विद ब्लॉक्स ऑफ मास m एंड 3m अटैच्ड टू इट्स एंड्स। The masses of string and pulley are negligible when the system is released. Its center of mass moves with what acceleration? तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन मैं समझ गया इसको। एक बार क्वेश्चन सर हम लोग, मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए आप। जो मैं बच्चे मेंटली क्लास में पूछते हैं ना, हाँ। कि बच्चों के दिमाग में होता है कि जैसे ये पुली वाला सिस्टम है, हाँ। तो जो पुली सिस्टम में जो बच्चों का जो मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, हाँ। तो सोचते हैं कि यही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, जबकि वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। चलो आपने इस बात को मेरे को बताया, तो मैं इसमें फिर जो बच्चे कंफ्यूजन है उसको परमानेंटली और कहां कहां क्या क्या होता है वो सारा इसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक रिजिड एंड है और हमने यहां से कोई पुली से दो ब्लॉक है वो बांध रखे हैं। ये मास मान लीजिएगा m1, ये मास है m2, m2 और अपन ऐसे मान लें कि m1 का वैल्यू यहां पर m2 से बड़ा है, ठीक है सर। तो अभी मान लो इसको अपन ने रेस्ट में किया हुआ है, जैसे इसको अपन रिलीज करेंगे तो मालूम है हम लोगों को कि m1 जो है इसका वेट ज्यादा होगा, m2 का वेट कम होगा, तो निश्चित रूप से m1 नीचे मूव करेगा और ये ऊपर मूव करेगा, क्योंकि दोनों या जो पुली है वो फिक्स्ड है, फ्री टू मूव नहीं है। हाँ। दूसरा दोनों ब्लॉक कैसे जुड़े हुए हैं एक स्ट्रिंग से, तो दोनों के एक्सेलरेशन है उनके मैग्नीट्यूड भी कैसे होंगे हमेशा बराबर होंगे, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों के फॉर्मूले बना करके अब ये कितने से ऊपर जाएगा कितने से नीचे आएगा, इसका सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो सबको फॉर्मूला याद होता है, ये होता है आपका मोर माइनस लेस अपॉन टोटल मास इनटू जी। पर ये किसका त्वरण है सर,
ये ब्लॉक का त्वरण है, ब्लॉक का त्वरण है, सेंटर ऑफ मास का नहीं है, बिल्कुल यही मैं बोल रहा था। यस यस, इसमें M1 का तो है डाउनवर्ड, M2 का अपवर्ड, दिशा भी इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि देखो अब ये तो अपन ने कर लिया, ये तो अपन ने कर लिया, पर अब मैं इसी में जैसे अपन यहाँ त्वरण के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन बनते हैं सर ने कहा, एक तो यहाँ बहुत केयर करनी है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा कुछ ही आंसर कुछ दे रहे हो तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। और पेपर मोस्टली सर ये इस तरीके का ऑप्शन दे रखा होता है, दे रखा होता है, पहला ऑप्शन ही होता है। हाँ, तो बच्चा सोचता है कि यही आंसर है, आंसर है। तो एक तो बात हो गई, दूसरा आपसे पूछता है कि इसका सापेक्ष त्वरण क्या है, रिलेटिव ऑसिलेशन क्या है। तो रिलेटिव तो आप जानते हो, ए रिलेटिव, मान लो मैं इसको ऐसे कह दूं ये आपका 1 है 2 है, तो आपसे पूछा कि 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको ऐसे करने वाला हूं a1 माइनस का a2, वेक्टर फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। तो a1 हमारा किस तरह से, मान लो इस a1 को ये नेगेटिव में है, वैल्यू आपने पुट कर दी, a2 की वैल्यू पुट कर दी, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का त्वरण, तो अभी हमने पीछे आपसे कहा था कि acm, और उसका फॉर्मूला अपन क्या लिखने वाले हैं, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पूरी संभावनाएं इसमें 3 प्रश्न बनने गए हैं। क्यों सर? एक पूछ लिया, इसका सापेक्ष त्वरण पूछ लिया, सापेक्ष पूछ लिया, या पूछा आपसे सेंटर ऑफ मास का त्वरण पूछ लिया, और इस क्वेश्चन में सर सेंटर ऑफ मास का ही पूछा गया। बिल्कुल, ये बोला ना कि द्रव्यमान केंद्र किस त्वरण की गति करेगा। अब अपन इसमें इस क्वेश्चन बात कर लेते हैं सीधे। हां सर, इसको ओपन कर दें अभी डिलीट। तो देखो अब से हमारे पास मास कितने m और 3m, तो इसका a कितना हुआ, इंडिविजुअली कितना हुआ, मोर माइनस लेस, 3m माइनस m अपॉन टोटल मास हो गया इसका 4m इनटू आपका g, ये आपका 2mg अपॉन 4mg, तो g बाय 2 आ गया, g बाय 2 क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड का अपना खुद का निरपेक्ष त्वरण है, दोनों कैसे नीचे ऊपर जा रहे हो इसके त्वरण आ गए। अब सापेक्ष पूछे तो देखो ये एक तो नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो आप जानते हैं जब ये दो वस्तुएं साथ समान दिशा में गति करते हैं आप सापेक्ष निकालो, डिफरेंस करते हैं सर, डिफरेंस करते हैं और दोनों कर रहे हैं वो अपोजिट, तो मास आना दूर, तो अपन ऐड करते हैं, तो यहां दोनों दूर जा रहे हैं तो अपोजिट चल रहे हैं, तो दोनों ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जी जी आ जाएगा। अब हम लोग सर इसमें क्या एक क्वेश्चन और करना, जो इसमें पूछा गया वो बोला है द्रव्यमान केंद्र किस पर, अब उसमें अपन आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस पे अपन फोकस करते हैं, ये आपका एसीएम, तो सीधे अपन वैल्यू पुट करेंगे M1, जैसे हमने अब थोड़ा सा ध्यान कर लें भी गलती ना हो जाए इसमें, डायरेक्शन सो बन जाए, हम लोग ये पहला हमारा है मान लो m, तो इसका एक्सेलरेशन वापस एक बार मिटा दो, देखो मैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ होती ही तो फिर अपन गड़बड़ जाएंगे। तो ये मास था हमारा m, और ये है मास 3m, इसका एक्सेलरेशन तो है आपका नीचे और उसका है, और इसका है ऊपर की तरफ, इसको मैंने कहा 1, इसको मैं कह रहा हूं 2, ठीक है सर। हाँ उनको ढंग से पहले देख करके फिर क्वेश्चन करा करो, अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ये लिखते हैं, ए जो है जी बाई टू है, ये बिल्कुल हाँ, इसका ये हो गया आपका, ये भी जी बाई टू है, जी बाई टू है, और वो है नीचे और ये ऊपर, अगर लिक्विड करते हैं वो इसमें जो अपने लोगों ने अभी लिखा है, यस ये तो मैन रूट लिखा है, बिल्कुल मैन रूट है, तो अगर आप अपने लोग डायरेक्शन लेंगे तो हाँ, ये प्लस जे के, ये माइनस का जे के, माइनस जे के हो जाएगा, यस यस। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो इसको हम लोग जे के मान ले रहे हैं और इसको माइनस माइनस जे के मान ले रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट आपका था M1A1, तो एम तो कितना सर एम, और इसका सॉल्यूशन कितना है ऊपर की तरफ, तो g by 2 और जे के प्लस उसका मास 3m, पर वो नीचे है तो माइनस का g by 2 जे के अपॉन टोटल मास इसका हो गया 4m। m को तो कॉमन लेके मैं उड़ा दूं, हाँ सर ठीक है। अब देखो ये अपने यहां है 3/2 माइनस का, ठीक है, यानी ये तो है डेढ़ और ये है आधा, आधा बचा, तो डेढ़ में से आधा गया तो आधा, पर नेगेटिव है डेढ़, सो डेढ़ में से आधा तो एक बच गया, तो एक अपॉन एक, एक अपॉन चार, तो 1/4 आ गया, देखो 1/4, तो माइनस का g/4 जे के, ये आ गया, सही है, सही है। तो अपना आंसर इसमें g/4, और ये इसमें बिल्कुल जो पूछा गया सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया, मान पूछा गया, परिमाण पूछा गया, इसका आंसर आप टिक कर देंगे g/4। तो देखो हमने इसमें सारी संभावनाएं आपको बता दी है, उसके अलावा प्रश्न इसमें तो नहीं पूछेगा,
इससे बचेगा ही नहीं क्वेश्चन, बचेगा नहीं बिल्कुल। आपने जो बता दिया ये वाला जो तरीका आपने बता दिया ना, ये बहुत बढ़िया बता दिया कि मतलब इसमें जी बाई टू हमें जे कैप में ले जाना है और इसको माइनस में। बच्चों का सर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे बच्चे किससे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों एक साथ एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास जीरो आएगा, वो माइनस कर देते हैं। जबकि हमें क्या रखना है, ये वाला जो सर ने फार्मूला बताया इसमें आपको जो ए लिखना है या बी लिखना है या जो आर वेक्टर, तो उसमें सब वेक्टर के साथ ही रखना है, और प्लस से माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं, फिर आंसर आपका आ जाएगा। यस, तो बढ़े आगे। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। हाँ, तो ये बोला थ्री ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ एल, मास एम आर अरेंज्ड एज सून फ्रॉम द वॉल, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द वॉल। तो सर जो आपने पहले तरीका बताया था ना, पहले क्वेश्चन जैसा हमने बताया था कि एक्सीएम जो है हमारे पास, तो उसको हम लोग लगा लेते हैं सीधे सिंपल। हाँ, इसमें एक बात और है सर, देखो अक्सर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास में हमसे ये पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स निकालिएगा, तो ये तो क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो आप, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दीवार से दूरी, तो दीवार से जो दूरी है ना वो ओनली एक्स एक्सिस वाली है, एक्स एक्सिस वाली पूछी गई है, इसका मतलब ओनली एक्सियम पर डिस्कस करना है। एक्सियम तो मैं एक बार पुनः जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बात को, आपसे जीरो से इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अभी बीच में हम डिस्कस कर रहे थे मैं और सर कि जब हम लोग यहां क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला आपका स्टेप बनता है जितने उसके कंपोनेंट हैं या अवयव जो हैं उसकी नंबरिंग कर डालो। हमारे पास कितनी छड़े सर, तीन है, तो ये मान लो वन है, इसको मान लो मैं यहाँ पे टू, इसको मान लो यहाँ पर थ्री, तो इसका सेंट्रल मास कहां, यहाँ इसका सेंट्रल मास, यहाँ, और देखो इसको पर ने कितना शिफ्ट कर रखा है एल बाई फोर, तो ये यहां से कितना सेंट्रल मास शिफ्ट हो चुका है एल बाई फोर, ये इसका सेंट्रल मास है, जिसमें इस वाले के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट आपका ये बनेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट ये बन गया, ये बन जाएगा। तो एम चूंकि तीन समान छड़े हैं, मास समान दे रखा आपने को, उसका मास एम, तो जैसे अपन नंबरिंग के हिसाब से करेंगे तो एम वन हमारा कितना एम हो गया, एम टू हमारा कितना हुआ एम हो गया, एम थ्री हमारा कितना एम हो गया, इसका एक्स वन, इसका एक्स टू, इसका एक्स थ्री, ये भी हमको बहुत जल्दी आनी चाहिए इसमें। तो सर एक्स वन कितना हुआ एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू आप सर लिखेंगे उसको, एक्स वन को मैं लिख देता हूं उधर, यस ये एल बाई टू हो गया, और एक्स टू कितना हुआ ये यहाँ पे, तो ये एल हो गया, बिल्कुल इसको भी आप नोट कर लें एल हो गया, और एक्स थ्री, एक्स थ्री ये एल बाई फोर है, यहाँ तक एल जोड़ दो, वन प्लस वन बाई फोर, तो फाइव बाई फोर, फाइव एल बाई फोर हो गया, बिल्कुल फाइव बाई, तो ये तो सर मैंने लिख दिया, ठीक है अब सब आगे, अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ हो गया जो आपने तरीका बताया तो फॉर्मूला है। हाँ, आप एक बार लगा के सॉल्व कर लीजिए। अब देखो मैं स्पेस खाली कर दूं सर आपके लिए, आप इसकी कैलकुलेशन कर दो फटाफट। तो अब अगर हम लोग, अब तो हमें याद होगा वैसे कि सारे मास तो इक्वल हैं, इक्वल हैं, और सर के अपने जो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री हमारे पास वन एल बाई टू एल, और कितनी होगी फाइव एल बाई फोर, सीधे आप इसमें मैं इसको खटाखट कर दूं देखो आपके लिए, तो एक्सीएम हमारे पास कितना देखो एम मास बराबर है, ठीक है m into l by 2 सब i में ही है, तो हटा दो उसको जोड़ दो ऐसे ही, तो m into ये आपका हो गया l plus ये हो गया m into 5 l by 4 और upon mass से आपका 3m, 3m m को सर को मैं यहां से कर दूं कैंसिल हो गया ये कैंसिल, तो अब हमारे पास रहा नीचे तो 3, ऊपर देखो हमारे पास देखो l को तो ले लूं कॉमन यहां पर, तो 1 by 2 plus 1 plus 1 by 4 upon 3, इसका देखो lcm कितना हुआ 4, 4 तो 2 प्लस फोर, टू प्लस फोर सिक्स हो गया, सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो गया, इलेवन अपॉन इलेवन बाई थ्री, नहीं थोड़ा के वापस चेक करो, दोबारा चेक करते हैं इसे, हाँ ये एलसीएम अपना फोर है ना, तो इलेवन बाई ट्वेल्व आएगा ये, हाँ इलेवन नहीं वापस चेक करते हैं पूरा, आप देखो अपन इसको लिख लेते हैं सर जल्दी, हाँ, अपन देखो हमारे को बाहर थोड़ा जाना है इसको, अपॉन थ्री है एलसीएम लिया है मैंने फोर, तो ये आपका टू, 2 प्लस 4, 4 प्लस 5, तो 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 1, 2, 9 प्लस 2, 11 हो गया, तो 11 अपॉन 12, 11 बाई 12 और 9 आएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है सर, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हाँ इसका आंसर अपन चेक कर लेते हैं एक बार देखो, तो आंसर अपना ये है सर दिया है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आंसर, और बहुत प्यारा प्रश्न है, और इसमें जैसे बच्चों एक बार ध्यान रखना इसकी मोटाई के बारे में हमसे कुछ बात करी नहीं, यस दे रखी नहीं है तो उसको नेगलिजिबल मानना है, नेगलिजिबल ही मानना है, हां बाय द वे मान लो आपने मोटाई दे दी तो फिर हो सकता है सर आपसे ये पूछ ले आपका वाईसीएम बन जाए, वाईसीएम भी पूछ सकता है, बिल्कुल वाईसीएम बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया जो आपने तरीका बताया था उससे सीधे, बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़े आगे, यस सर, यस, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एट्थ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, देखो बिल्कुल ये बोला ए टी शेप ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, a force F is applied at point P parallel to AB such that the object has only the translation motion without
रोटेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सी। सी तो देखो बच्चों, इसमें एक चीज जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन है ना, वो रोटेशन मतलब उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोगों को बात करना है। अगर मान लो कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो, तो वो कहां लगाओगे आप? सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, सिंपल सा बात है। बिल्कुल सर, इसमें जैसे अपन छोटी सी बात अच्छे से और कर लें, आपने बात शुरू करी बहुत अच्छी लगी मुझे, मजा आया उसमें। देखो कि जैसे मान लो हमारे पास कोई रोड आई, इसको हमने रखा है स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, और जब रोड है इसका मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका कहीं सेंटर मास है, ठीक है, और सेंटर मास की जो गति है वो मेनली अपन डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने में काम आती है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम इस बॉडी पर कौन से बिंदु पे फोर्स लगाएं जिससे कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करे, वो लोकेशन क्या होती है? वो सेंट्रो मास होता है, वो सेंट्रो मास होता है, बिल्कुल। हाँ, अगर सेंट्रो मास के अलावा कहीं आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इस पे बल आघूर्ण भी लग जाएगा, घूमने की प्रवृत्ति इसमें आ जाएगी। पर क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल मना कर रहा है, बिना घूर्णन के केवल रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या करते हैं, सिंपल सा सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है सर। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करें तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, बिल्कुल, पूछा भी अपने को ना सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा, ठीक है, ये मान लिया। तो अगर मैं इस वाले रॉड की बात करूं, अब इसमें जो हमारे पास शेप दी गई है वो एक सेम रॉड मतलब दिया गया है कि बिल्कुल सेम डेंसिटी की है, तो अगर इसका मास मैं एम मानूंगा तो इसका 2m मानना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे यही लिख लेता हूं सर, ठीक है, ये तो मास इसका m होगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2m, 2m हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब इंडिविजुअल जैसे आपने बता दिया कि जितने पार्ट है उसको अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें दो रॉड है, तो उन दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, नंबरिंग कर लो आप इसकी, इसको 1 2 मान लीजिए, हां इसको इसको मैं मान लेता हूं 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 और इसको मान लेता हूं मैं 2। फिर आपने बोला इसका अलग अलग मास हो गया, अब इसका अलग सेंटर मास लिखना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसका अलग सेंटर मास लिख लिया, तो इसका तो आ जाएगा एल एल, और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो 0, एल, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बात करेंगे तो हमें सिर्फ बाई एक्सिस पे लिखना है, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 2L आ गया, सही बोला मैंने, बिल्कुल। हाँ, जो आपने तरीका बताया वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हमसे बोला है पॉइंट, तो मतलब बाई एक्सिस में हमें बात करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोग अगर बाई सीएम की बात करें तो ये क्या लिखूंगा मैं? एम वन यस बाई वन एम टू, एम टू बाई टू, बाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम टू। एक सर आपने जो बताया था कि मतलब जो अगर ऐड हो रहा है तो हमें प्लस करना है, यस, और अगर नेगेटिव उसको तो या तो ओनली दे रखा है अपने को, तो ऐड भी नहीं करना और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, तो इसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे, अपने काम में ले लेते हैं। तो पहले कितना हो गया ये 2m, यस, और l l प्लस प्लस m m 2l 2l अपॉन 3m अपॉन 3m आ जाएगा, यस, बस हो गया। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m को तोड़ाओ, m तो m कैंसिल हो गया सर, तो ये 2l हो गया 4l, तो 4l अपॉन 3, 4 l अपॉन 3, बिल्कुल। इसका आंसर हो गया फर्स्ट हो गया आपसे बोल रहा है, एक बल एफ कहां लगाएं जिससे कि वस्तु सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करे। इसमें ये लिखा नहीं कि सेंट्रो मास आपको ज्ञात करना है, पर पूछा गुम फिक्र वहीं पर ही है, तो हमारा जो गुरु नीति का मेन पर्पज है यही है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका बचे नहीं, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर में कोई टॉपिक। तो बढ़े आगे, हाँ सर, तो क्वेश्चन आपका आ गया नाइन्थ, नाइन्थ की बात करते हैं, बिल्कुल सर, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हो आराम से। फर्स्ट तो ये बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल 10, 20, 30 केजी एट 0.0 ओरिजिन पे दे रखे हैं। हाँ, एक सर इस क्वेश्चन करने से पहले मैं बात करूंगा बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल सर आप इसको करें, ठीक है। फिर ये बोला वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ मास 40 केजी बी प्लेस सो दैट कॉम्बिनेशन सेंटर ऑफ मास विल बी एट 3.3.3। तो देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमें चार पार्टिकल दे रखे हैं, ठीक है, उसमें चार पार्टिकल दे रखे हैं, तो उसमें तीन का तो हमें लोकेशन पता है, और ये बोला जो चौथा हम कहां रखें जिससे हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यस 3.3 आ जाए। तो जो तीन है इसको अगर मैं सर करना चाहूं तो ये तीनों को तो मैं यहां मान लेता हूं, बिल्कुल, ये हो गया 60 केजी, 10, 20 और 30, इसको मतलब आपने बोला कि इनको एक कण मान लेंगे तीनों जोड़ के, हाँ, तो ये तो आ गया 60 केजी, हाँ, और ये कितना है 0.00 दे रखा है, बिल्कुल। अब ये बोला चौथा कहां रखें, तो चौथे के बारे में हमने कुछ पता नहीं, तो उसके वेरिएबल मानेंगे x y z, बिल्कुल बिल्कुल। तो चौथा मान लेते हैं
यहाँ पे ये x, y, z। देखो बच्चों ये हमने माना है x, y, z, आप ये मत बोलना कि आपने ये x हो गया ये y हो गया तो आपने x, y आएगा, हमने जनरल पॉइंट माना है, ठीक है। अब ये बोला इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पे लाई होना चाहिए 3.3 पे, आप लोगों ने ये 3.3 ये बना लिया, और ये जो हमें दे रखा है ये सर 40 kg दे रखा है, यस। तो आप अपने लोग वही वाला तरीका लगाते हैं कि x वाले के लिए लिख लेते हैं, हाँ, फिर y वाले अच्छा, इसमें अपने वो सेंटर मास दे दिया, हाँ, निकाय का सेंटर मास दे दिया, पता है हमें। एक बार देखो पहले ये तीन कणों का एक निकाय है उसका आपको दे रखा है सेंटर मास, फिर चौथा कहां रखें ये मालूम नहीं है, ताकि इस नया सेंटर मास पूरे सिस्टम का कहां यहां आ जाए, थ्री और एम वन हमारे पास कितना है 60 और ये हो गया 0 और एम टू 40 है, 40 X2 हमें पता करना है, डिवाइड बाय ये कितना हो गया सर 100, ठीक है, yes। तो ये अपना कितना बनेगा अगर X2 में X2 को X माना है, yes। चलो इसको देखते हैं जो X2 है इसको X माना है, हाँ। तो ये 3 × 100 डिवाइड बाय ये 40 आएगा, ये बना दे अपना, yes। तो ये हो गया कितना 30/4 30/4 और इसको करते हैं कितना आता है 7.5 ये आ गया। तो अगर बच्चों जैसे हमें नीट में क्या होता है हमें टाइम बचाना होता है, बिल्कुल। तो अगर अपने लोग बात करें तो अगर ये x हम अब x तो सेम ही रखा तो y भी उतना ही है z भी उतना ही है, अब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल जो कैलकुलेशन अपनी x x सेम से अपन x की निकाली है थर्ड वाले के लिए तो वैसे ही y सेम के लिए है वैसे ही z सेम के लिए, इसलिए सभी का जो वैल्यू है वो कितना 7.75 ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना क्योंकि हमें जो नीट में करना है हमें टाइम बचाना होता है, यस, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन के लिए हमें एक ही मिनट होता है, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक के अपन ने कैलकुलेशन करी उसी को मान के अपन आंसर टिक कर देंगे, ओके, बढ़े आगे, यस सर। ये आपका क्वेश्चन आ गया 10th, तो सर आप आ जाएं इधर एक बार, हां सर, थोड़ा आप इसको फर्स्ट लेवल पर आगे बढ़ाएंगे ताकि समय थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 4m व्हिच इज एट रेस्ट, तो ये पार्टिकल है ये, इसका मास है 4m और ये रेस्ट में है, इसलिए इसका अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी जीरो है, जीरो, इसका मोमेंटम भी कितना जीरो, ये सब आपको दे रखा है। अब कह रहा है व्हिच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 fragments, ये अचानक 3 पार्ट में टूट गया, और टूटना हमेशा होता है इंटरनल फोर्सेस के इफेक्ट में, इसलिए नेट फोर्स इनका जीरो होता है। 2 of the fragments each of mass m are found to move with a speed v each in mutually perpendicular direction, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दो पार्टिकल हैं जिसके मान लो एक पार्टिकल ये है दूसरा पार्टिकल आपका ये है, इन दोनों के मास कितने हैं सेम है, स्मॉल है, तो जो तीसरा yes. बचा उसका हो गया 2m, हाँ, तो तीसरा जो बचा उसका 2m हो गया, ये कह रहा है कि दोनों पार्टिकल स्पीड v से, इसकी स्पीड कितनी v है इसकी स्पीड भी कितनी होगी आपकी v होगी, अब इसका मोमेंटम कितना हुआ m into v, इसका कितना मोमेंटम हुआ m into v, ये mv और mv किस एंगल पे है 90 पे, इसलिए इन दोनों का नेट कितना हुआ √2 आपका m into v हो गया, ठीक है सर। अब देखो अगर इसमें दोनों का नेट ये हो गया तो थर्ड जो पार्टिकल होगा उसका P3 उसका भी इसके बराबर आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं m P3 इक्वल टू हो गया आपका √2 × m × v। अब P3 थर्ड वाले का हमारे पास मैंटूड आ गया, तो P3 वैसे आप देखो मास कितना बचा 4m टोटल था, mm अलग हो गया तो बचा उसका मास कितना 2m, मैं उसकी वेलोसिटी निकाल लूं मान लो v3, तो ये आपका हो गया देखो √2 × m × v, m से m को अपन यहां करते हैं समांतर, तो हमारे पास v3 कितना आया, ये आ जाएगा v/√2, वेरी गुड। तो इससे हमने देखा ये v3 हमारे पास है v/√2। अब देखो हमारे पास पहला पार्टिकल दूसरा तीसरा सब के बारे में हमारे पास जानकारी आ गई है, ये पहला पार्टिकल मास m है वेलोसिटी v है, दूसरा पार्टिकल मास m वेलोसिटी v है, दूसरा थर्ड है उसका मास तो हमारा 2m, मास तो है 2m और उसकी स्पीड है कितनी v/√2। अब पूछा क्या है उस पे बनाते हैं, तब इस प्रक्रिया में कुल मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, वो सारी काइनेटिक है तो इसकी काइनेटिक प्लस इसकी काइनेटिक उसकी आएगी, तो ये कर दो ½mv² प्लस ये होगी आपकी ½ × मास आपका 2m और v² / 2 ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 जोड़ दो सर वो कितना 3/2 ये आपका m × v² और ये हमारा आंसर है, इसका आंसर हो गया सेकंड, ठीक है, बढ़िया आगे। ये सर क्वेश्चन नंबर 11 बोला ए सेल इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, देन द 2 पीस विल
ठीक है। तो अब ये हमसे बोला है एक सेल है, एक स्थिर बम धमाके के साथ दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो सर आपके अनुसार ये मास मान लो एम का कोई एक बम है, हाँ, और पहले कैसा है ये रेस्ट में, अचानक टूट गया, टूट गया तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा है स्थिर रहेंगे, नहीं भाई स्थिर दो पार्टिकल बनेंगे तो दो जो बनेंगे उनको बस उनकी स्थिरती है भाई कि दोनों इस तरह से मोशन करेंगे कि उनका हर क्षण पे जो मोमेंटम जितना पहले उतना बाद में होना चाहिए, उसके लिए कि दोनों समान संवेग से विपरीत दिशा में गति करेंगे, ऐसा सी बात होनी चाहिए। आंतरिक बल काम कर रहे हैं, यस यस, तो जब आंतरिक बल काम करते हैं तुम्हारे पास मोमेंटम क्या रहता है, रहेगा तो दोनों बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसको अपन ऐसे कह दें क्या कि P1 प्लस जो P2 है बाद वाला वो तो जीरो होगा, जीरो हो। या इसको मैं ऐसे कह दूं कि P2 इज इक्वल टू माइनस का P1, ये बात हो गई ठीक है। तो दोनों टुकड़ों के संवेग आपस में कैसे बराबर तो है पर कैसे विपरीत दिशा में, पर चाल उनकी बराबर नहीं है सर। जो पार्ट यस यस, देखो इसमें थोड़ी सी और बात कर दूं मैं यहां पर, इन सारे क्वेश्चंस में जैसे अपन कहते हैं k इज इक्वल टू p स्क्वायर m, p स्क्वायर अपॉन 2m, जब यहां पे आप कह रहे हैं p तो कांस्टेंट है, p तो यहां पर कांस्टेंट है ठीक है, पर अब जिसका मास कम होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड ज्यादा होगी ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब ये बोल रहा है मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, हां ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें बोल दिया दो बराबर भागों में टूट रहा है, अब सर ने जैसे ये लिया यस इक्वल मास, हाँ P2 माइनस P1 लिखा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिखोगे आप M by 2 करो सर, M by 2 यस यस, और ये B2 बनेगा और ये माइनस का M by 2 into B1, तो ये तो कैंसिल हो गया बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है तो आ गया माइनस B1, मतलब सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, बराबर होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट होगी। तो अब चेक कर लेते हैं ऐसे हो सकता है एंड आ जाएगा विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे, बिल्कुल थर्ड कर दो टेक, हां सर विपरीत दिशा में समान वेग से चलेंगे, तो ये आपका सही आंसर हो गया ठीक है। बढ़िया गया सर, यस सर, ये लो तो क्वेश्चन अपना हो गया 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ठीक है सर। तो इसको पढ़ते हैं अपन लोग, ए सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद वेलोसिटी b मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा with the horizontal direction at the highest point in its path it explodes into two pieces of equal masses, one of piece retrace its path to the cannon and speed in meter per second of the other piece immediately after the explosion. तो खाली कर ले पेज, इसको अपन तुरंत कर ले, देखो बच्चे पहले क्वेश्चन को ढंग से एक बार ना अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके लागू हो जाएंगे, तो ध्यान करो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लो मैं ये कैलकुलेशन कांसेप्ट लग जाएगा, हाँ, तो मान लो मैं यहाँ पे किसी m मास के ब्लॉक को थीटा एंगल पे और v स्पीड से यहाँ से थ्रो करता हूँ, तो थ्रो करने पर इसके टॉप पॉइंट पे यदि मैं इसी को अभी बिना एक्सप्लोजन की बात करता हूँ तो इसका मास m है और इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी है बच्चों, v cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, टॉप पर वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, हाँ यस, ओनली वहां बचा कौन सा v cos थीटा, आप जानते हैं यहाँ इसका v cos और v sin होता है, तो अपन ले लिया। अब थोड़ा रुक जाओ, ये कंडीशन आपकी विस्फोट से पहले की, तो विस्फोट से पहले इसका मोमेंटम कितना m into v cos theta, cos theta होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट इसके आफ्टर ये टूट गया, दो बराबर भागों में टूटा, यस यस, तो दो इसके पार्ट बन गए, ये आपका m by 2 मास है, ये भी आपका m by 2 मास है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो में से एक सेगमेंट अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो सर अगर रिट्रेस अगर ये कर रहा है ना, यस, तो रिट्रेस के लिए जो ये वेलोसिटी है ना, हाँ, ये ही इसकी मैग्नीट्यूड में तो यही होनी चाहिए, बिल्कुल, और डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए, तो एक का मतलब लिख लेते हैं, यस, ये तो आपने बता दिया v cos थीटा, और इसकी इसका मालूम नहीं, इसकी पता नहीं, तो इसको हम लोग क्या मान लें, v' मान लो, v2 मान लेते हैं, v2 मान लो, आप कर लेते हैं, अब सुनो देखो, अब हमने देखा कि विस्फोट से पहले इसका मास m था, इसकी स्पीड आपकी v cos किस तरह है, राइटवर्ड है, विस्फोट के बाद हमारे पास दो सेगमेंट बन के m by 2 के, इसमें से एक के बारे में कुछ कहा था हमने, उसको मान लिया कि इसकी स्पीड कितनी v cos होनी चाहिए और विपरीत गति करनी चाहिए। थर्ड जो इसका दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो सर ने बोला कि हम इसको मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। अब सुनो देखो, यहां पर भी टॉप पॉइंट पर जब इसका एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक्सप्लोजन में लगने वाला समय बहुत कम है, तो एट द मोमेंट ऑफ एक्सप्लोजन विस्फोट के ठीक इंस्टेंट पर आप यहां पर भी एक छोटे अंतराल के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीन मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो अब मैं यहां करूंगा क्या कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, कब, एट द मोमेंट ऑफ एक्सप्लोजन, तो विस्फोट के ठीक पहले और ठीक बाद में, तो ठीक पहले आप देखो कि m मास से इसकी स्पीड आपकी v cos, क्या लिखूं सर, m v cos थीटा,
और सारा एक्स एक्स में ही है और प्लस में तो प्लस में लिख देता हूँ बराबर बराबर ये सर इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी इसको माइनस लिखना पड़ेगा तो माइनस का एन बाय टू बी कॉस थीटा और थर्ड के जो दूसरा क्वेश्चन जानते हैं और कर दो इसको बी टू यलो साहब तो अब इसको सर सॉल्व कर लेते हैं तो ये एम बाई टू और ये देखो इसको तो लोकल भाषा में देखो करें ये वन हाँ सर ये हाफ तो कितना हो गया एक और आधा है इधर आया तो एक होता डेढ़ डेढ़ हो गया थ्री बाई टू थ्री बाई टू तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे थ्री बाई टू एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका एम बाय टू बी टू बी टू और इसमें देखो ये एम बाय टू से सॉरी एम बाई टू एम बाई टू एम बाई टू से एम बाई टू कैंसिल बचा आंसर बी तो आगे थ्री बी कॉस थीटा थ्री बी कॉस थीटा और किस तरह प्लस एक्स में प्लस एक्स में इधर आया बिल्कुल बिल्कुल तो अब इसका आंसर अपन देख लें सर तो ये हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है टॉप पे क्या था पहले विस्फोट के पहले क्या था विस्फोट के बाद क्या है क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे प्रॉपर आप बढ़ जाएं और आराम से इसका आंसर निकाल लें बढ़िया क्या सर यस सर यस तो अपना क्वेश्चन आ गया 13 13 आ गया अब ये बोला ए न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स ऑफ सेम डेंसिटी एंड रेडियाई इन द रेशियो एयर वेलोसिटी आर इन देखो वही अपना कांसेप्ट लगाना कि एक न्यूक्लियस है वो दो भागों में टूटा है तो क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा पी इनिशियल तो जीरो है और पी फाइनल हमने लोग निकाल लेंगे उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं हां सर अभी हमने कहा था कि दो पहले रेस्ट में था दो इसके सेगमेंट बनेंगे दो सेगमेंट तो दोनों के जो संवेग बनेंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर क्या हो जाएगा सेम मैं इसको ऐसे कह दूं m1v1 = m2v2 जिसमें आपको पूछा गया है वेलोसिटी का रेशियो तो ये हुआ आपका v1 / v2 इक्वल टू हो गया आपका मास m2 / m1 मैं इसको कर दूं यहां पे रो इनटू रो तो दोनों एक ही पदार्थ के हैं हाँ। एक स्टूटे हैं डेंसिटी रखिए सर बिल्कुल अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम डेंसिटी हां और वैसे भी एक स्टूटे हैं दोनों सेगमेंट अपने आप ही कैसे बनेंगे सेम बनेंगे तो रो इनटू कर दूं मैं इसको v1 अच्छा अब सुनो रेडियस दे रखिए तो मानना आपने ये सर ये वॉल्यूम लिखा ना आपने यस यस बिल्कुल वॉल्यूम ये बच्चों वॉल्यूम है ये ध्यान रखना आयतन है इसको यहां से उठा दूं हां सर अब दोनों रेडियस दे रखिए तो आपको मानना है स्फीयर स्फीयर इसको ही आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई से कैंसिल हो गया तो ये आपका r2 / r1 का पावर हो गया क्यूब क्यूब जिसमें देखो r1 / r2 1 2 है उल्टा वाला 2:1 का अपन करें क्यूब तो गया 8:1 तो ये आ गया आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आंसर आपको आ जाता है 8:1 तो 13 भी आपका कंप्लीट बड़े आगे क्वेश्चन में यस सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल वेयर द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए तो देखो बच्चों इसमें हमें क्या बोल रहा है यूनिट लेंथ का दे रखा है जो सर ने पहले बताया था ना आपको लैम्डा लैम्डा रो और सिग्मा बताया था तो ये हमारा लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है बिल्कुल तो अपने लोग इसके जल्दी से कर लेते हैं ये रॉड मान लेते हैं एक तो सर इसको शॉर्ट में करने के लिए तो इसमें ये बात लिखी ना एकांक लंबाई का ये जो भार है इसको लैम्डा मान लो इसको लैम्डा इक्वल टू जी हटा दो अच्छा जी हटा दे बस उसी हां तो अब यहां से मैं क्या करता हूं एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लेता हूं मैं डीएक्स का ठीक है तो इसका मैं डीएम जो लिखूंगा जो सर ने बताया वो कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू डीएम डीएक्स डीएक्स हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे हम 1 + एक्स ये आ जाएगा 1 + एक्स इनटू डीएक्स यस यस अब देखो बच्चों जो अपन लोग सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला अपन लोग पढ़े हैं जो बेसिक फार्मूला सर अपने लोग पढ़ाना चालू करते हैं जैसे एक्सीएम की अगर अपन लोग बात करें तो यहीं से तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग एक्स डीएम अब डिवाइड बाय डीएम बिल्कुल और इसको इंटीग्रेट कराते हैं यस तो ये 0 से एल हो जाएगा और ये 0 से एल हो जाएगा तो इसको अगर अपन लोग वैल्यू रखें तो ये एक्स एक्स 1 + एक्स डीएम डीएक्स डीएक्स यस और ये बनेगा अपॉन 1 + ये 0 से एल जीरो से एल वन प्लस एक्स डीएक्स डीएक्स ये जीरो से एल तो अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है अब इसकी मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आप हेल्प कर दूं देखो हाँ सर जैसे इसका पहला पार्ट हमारे पास है एक्स इंटू वन इंटू डीएक्स हाँ सर तो सर वजह से एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा ये देखो एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया प्लस फिर आपका है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर तो गया एक्स की पावर 3 तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आ गया 3 और इसकी लिमिट मैं लिख दूं यहाँ पे 0 से एल उसके बाद बचा आपका 1 डीएक्स तो आंसर ज्ञात करोगे तो आंसर ये बच्चे खुद करेंगे इसको अपन होमवर्क के रूप में दे देते हैं ये बच्चों खुद कर लो आप ठीक है सर क्यों तो इसका आंसर कौन सा सर बताओ देखें कौन सा करें अपन इसका आंसर इसका आंसर सर अभी देखते हैं एक बार इसमें या पूरा कर दें नहीं सर उसको
आपने बताई थी तो बच्चे कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे इसमें फिर कॉमन लेकर के इसमें ना ये आपका एल स्क्वायर हो गया, ये एल की पावर 3 हो गया, एल और यहां पर एल स्क्वायर और कॉमन लेके आराम से मतलब ये जो अगर एलसीएम लेना 3 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा ऐसे से देख लो। चलो इसको पूरा कर दो सर। अच्छा भाई कर देंगे। हां चलो चलो कर देते हैं। तो जैसे इसको अपन यहां से खाली कर देंगे क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जैसे मैं यहां इसका एलसीएम लेता हूं, पहली बात तो मैं 0 से एल है ना, तो एल स्क्वायर ये आपका एल की पावर 3 हो गया, इसको हटा दो तो ये आपका बन गया देखो एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बन गया आपका एल की पावर 3 अपॉन 3 अपॉन ये बन गया आपका एल प्लस ये बन गया आपका एल स्क्वायर बाई 2। जब इसकी कैलकुलेशन करते हो तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6। ये तो एलसीएम आ गया 6। 6 तो ये 3 प्लस 2 5 5 एल सॉरी 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 ये स्क्वायर है ये अलग हो गया ना। हाँ तो ये अपन लोग लिख लेते हैं ये बनेगा एलसीएम 6 हो गया 3l स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2l क्यूब सही है सर अपॉन 6 ये 6 और ये आ जाएगा हां 2l प्लस l स्क्वायर बाय 2। इसको भी अपन ऐसे करते हैं इसको भी 6 मान लें, इसको 6 मान लें तो ये हो गया आपका 6l और ये 3 ताकि ये उड़ जाए तो बचा हुआ आंसर हो जाएगा। सही है सर। फिर तो आइएगा हमारे पास 3l जो कॉमन आ जाएगा। ठीक है इस तरह से हमें हमेशा करना चाहिए ताकि टाइम कम से कम लगे। यहाँ जो आप एलसीएम था ना वैसा यहाँ एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं है ताकि वो कैंसिल हो जाए और एक स्टेप का आपका आंसर आ जाए। तो अब बाकी ठीक आप कर लेंगे। आंसर कौन सा था इसका थर्ड। ओके बढ़े आगे। यस सर क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन देखो सर मैं इसको थोड़ा फास्ट लिखता हूं बच्चों को। हां सर ये आपका m1 है 2m ध्यान करें m1 हमारे पास कौन सा है ये 2m ये 2m दिया है और m2 कितना है सर 4m m2 हमारे पास है 4m। उसके बाद देखो M3 है M और M4 हमें चलेगा। हाँ अब क्वेश्चन कह रहा है कि M4 द्रव्यमान के चार कण एक वर्ग के चार कोणों पे रखे गए हैं तो M4 द्रव्यमान का मान कितना हो जिससे कि चारों कणों का द्रव्यमान केंद्र वर्ग के सेंटर पर स्थित हो जाए। अब सुनो देखो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो M और ये 2M ठीक है M और 2M जो है यदि इनको मैं यहां मिला दूं तो इन M और 2M का सेंटर मास ध्यान से सुनें कि मान लो हमारे पास ये मास M है ये मास M है दोनों समान द्रव्यमान के दो पार्टिकल होते हैं उनका सेंटर मास बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे होता है ठीक है। अगर मास डिफरेंट है तो सेंटर मास हमेशा मोर मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां ये M है जो आपका 2M है ऐसे केस में इसका सेंटर मास कहीं यहां शिफ्ट होगा ठीक है। अभी मैं ओनली M और 2M की बात यानी M3 और M1 की बात कर रहा हूं तो इसका सेंटर मास कहीं आ गया इसमें तो कोई गुना नहीं है। अब देखो ये आपका मान लो यहाँ पे M और 2M था ना तो मैं इसको यहाँ मान लो 3M मास क्योंकि अब इन दोनों का सेंट्रल मास यहाँ है फिर ये आपका M4 तो अपने पास ये एक सिस्टम रह गया और इस सिस्टम में देखो ये इसकी डिस्टेंस है। अब ये 3M और ये आपका 4M इसका सेंट्रल मास निश्चित रूप से इसी लाइन पे होगा और लाइन कभी भी इसके सेंटर को क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब ये बात कि M4 कितना भी छोटा बड़ा पर रखें कभी भी ऐसी सूरत में इसका सेंटर मास सेंटर पे लाई नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। 2M है ही पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ही नहीं है तो नन ऑफ दीज हो गया ठीक है सर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका बन गए। आते हैं क्वेश्चन अपन 16 पर। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं बिल्कुल। तो ये बोला इन द फिगर शोन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 3r फ्रॉम ओरिजिन O इन व्हिच द ए होल ऑफ रेडियस r इज कट हु सेंटर इज 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्ज प्लेट। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए है ना दो एक तो वो पहले वाला कट वाला था एक दिन तो एक बार तो सर ने वो बता दिया आपको वो वाला तरीका कि M1 मानना है M2 मानना है और जो काट के निकालेगा उसमें से उसको हटाना है। तो अब इसको एक बार सर मैं एरिया वाले से करने की ट्राई करें ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट अगर इसको मान लूं तो जो A1 मैं लिखूंगा ये कितना लिखा जाएगा पाई रेडियस कितनी है 3R स्क्वायर तो ये कितना आ गया 9πr स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं A2 ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो अपना आ गया पाई आर स्क्वायर ठीक है सर। अब इसको काट के निकाला गया इसको तो जो ओरिजिन मान लो मैं थोड़ी आप और हेल्प करता हूं दोस्तों। हां सर यदि आपने इसका एरिया तो इसको m मान लो सर इसको 9 मान लो बस। हां ये भी बात सही है मैं डेंसिटी तो सब सेम होगी बिल्कुल इतना कर लिया ना आपने जब एरिया पहले निकाल लिया तो फिर आप इसको मान लो m कम वाले को मान लो m और बचा कितना गुना है ये ताकि आप सीधे बिल्कुल आप सर उसी में करते रहोगे मैं तो इसमें हेल्प कर रहा हूं। हां मतलब ये भी तरीका सही है ये 9m वाला इससे भी बच्चों आप कर सकते हो सर ठीक है। उसमें सर क्या होगा कि बच्चे बार बार पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ऊपर नीचे तो परेशान हो जाएंगे तो अगर इसको अपन यहां से इसमें बदल लेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसका आसान हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया। अगर आप लोगों को सब कांसेप्ट सिखाने हैं तो एक बार इससे कर लेते हैं। यस यस ठीक है। तो अगर आप लोग अब एक्सियम की बात करें तो ये लिखा जाएगा a1 x1 - a2 x2
डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू। बिल्कुल, तो ए वन तो हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पॉइंट है एक्स वो तो 0 0 है, सेंटर मास 0 है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना है सर 2r पे। हाँ, उसको अपन देख लेगो। हाँ, ये सर देखो, आप जब कह रहे थे कि x2 क्या है, जिस भाग को अपन काट के अलग कर रहे हैं उसका सेंट्रोमास कहाँ है, तो 2r पे और आई की तरफ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। यस, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 9mr स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, बिल्कुल इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बचा 2πr2। वैसे देखो पाई आर स्क्वायर मैं यहां से उड़ा दूंगा सब में से। हाँ सर, उसे उड़ा दूं, मैं एक हो गया ये, तो सर आर बचेगा। हाँ, तो इसको ये बन गया, तो 2r माइनस का 2r अपॉन 8। देखो देखो भाई, माइनस का 2r अपॉन 8 उड़ा दो इसको 4 से, तो माइनस का r / 4 आ गया। r / 4 मैंने सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर देखो एक बार, बिल्कुल है सर, माइनस का माइनस r / 4 r / 4 है। यस, तो अच्छा सर, इसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब इस तरीके से बच्चे कर तो मतलब जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा वो उसे किधर शिफ्ट होगा, इधर या उधर। यस यस, वेक्टरी फॉर्म में भी आते हैं। बिल्कुल, तो अगर ऐसे बच्चों का वेक्टरी फॉर्म में आ जाता है तो आपको वहां पे क्या लिखना है, इधर आ रहा है तो वहां पे आई कैप आएगा। यस यस, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तरीके सब सर, मैं यहां से काट दूं तो अब इस तरफ शिफ्ट होगा, इधर प्लस आई प्लस उसमें आपका प्लस r / 4 आ जाएगा। मान लो मैं यहां से काट दूं तो माइनस का j आ जाएगा, मैं यहां से काटता हूं तो प्लस j आ जाएगा। बस कभी-कभी ये क्वेश्चन वेक्टर के साथ भी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो होता है कि अपन तरीका तो होता है कि अपन जो आप यहां डिस्कस कर रहे हो वैसा वैसा क्वेश्चन आ जाए। हाँ। अच्छी बात आ जाए तो अच्छी बात होती है, परंतु मान लो थोड़ा सा उसमें हेरफेर होता है तो उसके लिए हम तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो बढ़िया है क्वेश्चन। हां सर, आगे बात करते हैं अपन लोग। यस, तो यस, ये पूछा है कि फॉर फॉलोइंग सॉलिड। सर मैं इसमें एक बहुत शानदार प्रश्न को बात करता हूं, देखो आप इतना जल्दी बार, मैं इसमें थोड़ा सा काम बच्चों के लिए कर दूं। ये जो अपने जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उनका सेंट्रो मास है वो कहाँ लाई करता है। जैसे इसकी एक सिंपल ट्रिक है, उस पर अपन काम करें। और जैसे क्वेश्चन आपका है सेंट्रो मास का, तो देखो एक है सेंट्रो ऑफ मास की सीटी, सेंट्रो मास की सीटी हर सद ने बजाई। इस तरह से एक पहले याद कर लो बात, सेंट्रो मास की सीटी क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन सेंट्रो मास का आएगा सर, ठीक है। तो ट्रिक भी हम क्या इस तरह से बनाता कि बच्चा उसी को सेंट्रो ऑफ मास की सीटी हर्षद ने बजाई। तो सेंट्रो मास तो अपने सिर्फ याद करने के लिए हमारा एक सपोर्टिंग था। अब इसमें कुछ मैंने वर्ड लिए, ये सी है, यहाँ पे टी है, ये एच है, ये आपका आर है, ये एस और ये डी है, कुछ हमारे पास ऐसे हैं, इनसे कुछ मैं यहां बनाने वाला हूं, उसी को आप फॉर्मूले बनाने वाला हूं। देखो ये सी हमारे पास है वो तो है बेटा जी कोण के लिए शंकु, और टी का मतलब है ट्रायंगुलर कोण एक प्लेट के रूप में, ठीक है। ये तो जो कोण होता है जिससे अपन कोण, मान लो हमारे पास एक बॉडी है इसको अपन कोण के रूप में ये बना ले ऐसे, ये तो कोण हो गया और सॉलिड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको मैं यहां से मान लो प्रेस कर दूं, इसको यहां से काट दूं तो एक प्लेट बन गई। तो हमारे पास एक तो कोण हो गया, एक हमारे पास हो गई प्लेट। उसके बाद देखो ये जो चीजें हैं उसमें एक बात पहले और बताऊं आपको मैं, मान लो हमारे पास ये एक, या चलो पहले बता दूं, ये तो है एच का मतलब हो गया हमारा यहां पर होलोस्फियर, आर से मतलब है रिंग, एस का मतलब है सॉलिड स्फीयर, और डी से मतलब है डिस्क। अब ये मोस्टली वो वर्ड है जो कि अपन डेली जब रोटेशन पढ़ते हैं उन समय आते रहते हैं। तो सी से हो गया कौन, फिर से ट्रायंगुलर कौन हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई आपकी, और ट्रायंगुलर प्लेट इसको बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेट के रूप में ध्यान देंगे। अच्छा जी, फिर आपका है एस से मतलब होलोस्फीयर, आर से रिंग, एस से आपका सॉलिड स्फीयर, और डी से डिस्क। ये हमारे पास कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 डाटा हो गए, ठीक है सर। अब जो 6 डाटा है उसमें देखो हमारे पास जो इनके सेंट्रो मास है ना उसके हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले होंगे, 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। उनमें से देखो कि मैं इसकी थोड़ी फोटो बनाऊं, जैसे मान लो पहले कि एक तो ये कौन है, देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट, इस तरह से प्लेट हो गई आपकी, और ये आपका अपर, ये ध्यान देना मैं यहां एक बात पहले बता रहा था आप लोग कि एक तो हमारे पास देखो है होलोस्फीयर बिल्कुल कंप्लीट है, तो होलोस्फीयर के कंप्लीट होने में सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल बॉडी का सेंट्रो मास सेंटर पे होता है, उसको क्या याद करना भाई, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्चुअली क्या है, हाफ है,
हाफ की, सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपने हाफ के हैं, तो ये सब हाफ के रहे, और हाफ के भी किस तरह से उनको सबको चेक करो, सब कुछ हाफ है, ये भी हाफ है, रिंग भी कैसे आपकी हाफ है, और ये सॉलिड स्फीयर भी कैसा आपका, ये भी हाफ है, और डिस्क भी कैसी है, ये भी हाफ है। अब सुनो, ये सब क्या है, इसका बेस ऑफ कौन, ये बेस ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ये बेस ऑफ सब बेस ऑफ है, ये इसका बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। तो बेस से पूछा कि वर्टेक्स से पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको मिलेगी हमेशा हाइट, और इन सब में आपको मिलेगी रेडियस, ये सब आपको मिलेगी रेडियस। तो ये चार तो हमारे रेडियस के रूप में, और दो हमारे किस रूप में होंगे, एच के रूप में होंगे, जिसमें आप इसे फॉर्मूले जैसे ये एच के रूप में, ये भी एच के रूप में, ये आपका आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर है। अब क्या लिखना है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो 4 3 2 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यस 4 3 2 और यहां लिखना है 2 3 4 भरना पड़ेगा, और वो भरना देखो यहाँ पे पाई 2 पाई और 3 पाई, इतना ही आसान होता तो कोई कर लेता, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा एक लोचा है, लोचा ये 2 पाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 8 एक छोटी सी और बता दूं, ये जो हमारे पास यहाँ ट्रायंगुलर प्लेट है, ये और ये, यहां थोड़ा सा ध्यान करना, शंकु दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है होलो। जैसे मान लो ये हमारे पास एक शंकु है, अगर मैं इस कागज से इसको बनाऊंगा तो होलो बनेगा ना, हाँ सर। तो अब ये शंकु होलो बन गया, ये बन गई ट्रायंगुलर प्लेट, ये प्लेट बन गई। तो देखो दूसरा फॉर्मूला है ना, ये होलो शंकु भी लागू होगा और ट्रायंगुलर प्लेट लागू होगा, दोनों के लिए काम करेगा। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन के लागू होगा। तो अब आराम से हमारे फॉर्मूला तैयार हो गए, और क्वेश्चन तो कुछ रहा ही नहीं, पर ध्यान सुनना, उसमें क्वेश्चन पूछा कहां से, सिर्फ से पूछा या ये बेस से पूछा, सारे के सारे फॉर्मूले बेस से हैं, ठीक है सर। ये बेस से कितना H/4, ये बेस से कितना H/3, तो यहां कितना हो, देखो ये 3H/4, ये आपका 2H/3। उसमें क्वेश्चन सर सीधे से पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें आ जाएंगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को सर आप बता सकते हैं आराम से। तो अब बच्चों जैसे सर ने बताया, तो अब ये बोल रहे हैं जो हमें डिस्टेंस है वो कहां से लेनी है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स टॉप से, यहां से टॉप से सीधे से लेनी है। तो ये हो गई, सर ने तो ये बताया कि यहां पे ये H/4 होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको तो H/4 लिख ले, अब यहां से पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 3H/4 और H कितनी 4R, तो ये लो साहब 3/4 × 4R, R से R कैंसिल, सॉरी हमने क्या गड़बड़ कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3R इसका आंसर आ गया। तो आंसर कैसा कुछ फर्स्ट, ये लो ठीक है, बहुत ही काम की शानदार चीज आप बता रही है, क्वेश्चन किसका आता तुरंत आप उसको टिक कर सकते हो, बच्चों को सेंट्रल मास याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन, ए बॉडी जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास इन मिड एयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ध्यान सुनो क्वेश्चन को, ये ए बॉडी, इसका मास कैपिटल एम है, ये क्या फ्री टू मूव है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ध्यान से इसमें काम वाली क्या बात है, देखो जब इसको अपन यहां से फ्री करते हैं, ये नीचे मोशन कर रहा है, तो जब ये जिस समय इसका विस्फोट हुआ उस समय इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, यानी एक तरह से अब इस कैपिटल M अकेले कण को मानता हूं तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पे बाह्य बल है, और बाह्य बल के प्रभाव में त्वरित गति कर रहा है। अब सेंट्रो मास की खास बात क्या होती है कि आप ये देखें सबसे पहले कि ये जो पार्टिकल या कोई सिस्टम का एक घटक जो है वो पहले किस प्रभाव में गति कर रहा था, और विस्फोट चूंकि आंतरिक बल में प्रभाव होते हैं, त्वरित गति कर रहा था, तो विस्फोट के बाद भी सेंट्रो मास उसी पाथ पे वो त्वरित गति करेगा, ठीक है सर, सी बोलो सर मैं, हाँ सर बिल्कुल। तो अब इसमें आपसे पूछा निम्न से क्या संभव नहीं है, तो ये तो पहले आप डिस्कस कर लो अच्छे से, मान लो कि सेंट्रो मास बिल्कुल ट्रांसलेटरी पाथ मोशन करेगा, पर है कैसा है त्वरित गति पर ये सेंट्रो मास बोल रहा हूं, सेंट्रो मास ना कि इसके फ्रेगमेंट्स, मान लो फ्रेगमेंट्स तो बनेंगे ना, मान लो एक फ्रेगमेंट इस तरफ गति करते हुए आएगा, एक इस तरफ आएगा, तो एक मान लो किस समय यहां और यहां, तो सेंट्रो मास उसका बिल्कुल यहीं पर ही है, यही रहेगा,
यहाँ थीसिस के बारे में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर जरा आगे डिस्कस करिए। आप ये सब बता रहा है कि मतलब जो भी हमें डिस्कस करना है तो मतलब दो अलग अलग मास है और उनका जो द्रव्यमान है वो हमें बिल्कुल यानी इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको सेंटर मास के बारे में पूछा है या फ्रेगमेंट की गति है वो कहाँ हो रही उसके बारे में है। तो देखो आप क्वेश्चन में अपन आते हैं और पहला कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़ा परवलय पथ पे गति करेगा। तो ये बिल्कुल दोनों गति मान दो ही पीस बन रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एक तो गति यहाँ करा और एक यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेंट्रो मास पर अलग चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो अपना सही हो गया। बिल्कुल सही है। सही है कि एक टुकड़ा ना ना ये तो होगा ही नहीं जैसे अभी हमने बताया। एक टुकड़ा अगर इस पर गति करेगा तो सेंट्रो मास तो क्या शिफ्ट हो जाएगा और सेंट्रो मास अपनी ओरिजिनल मोशन से कभी शिफ्ट नहीं होगा जब तक उसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल। तो ये तो ये गलत हो गया। यही आंसर होगा कुछ है। बिल्कुल। ओनली वन पार्ट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। तो ये मतलब देखो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया क्या संभव नहीं है इस चीज का ध्यान रखना। कभी बच्चे क्या करते हैं पूछा जाता है संभव नहीं है वो सोचते हैं कि संभव है तो वो टिक कर देते हैं। ये गलत होता है कई बार बच्चों के साथ। ठीक है इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कभी आ जाता है क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला। बिल्कुल। तो उसमें इनकरेक्ट पूछा जाता है बच्चा कर देते हैं करेक्ट वाला और फिर आगे भाग जाते हैं सर ये तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। और नीट में आप समझते हो कि एक ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो मार खा जाते हैं और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो तो कहीं ढंग से पढ़ते हैं सीख जाते हैं और रैंक डिसाइडिंग जो बच्चों के लिए बन जाता है केस। ठीक है तो बढ़िया है सर। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन आपका है 19th। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन किया मैं उसी से उसको ठोक दूं। देखो हाँ क्वेश्चन आपका था कि फिगर शोज एक कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स इज। बिल्कुल सिंपल। देखो दो रॉड है। ठीक है एक ही किसी रॉड से काट के ऐसे बनाई गई है मतलब इसकी सब डायमेंशन सब सेम है इसलिए एल वाले का मास m जैसे सर ने पहले लिया था उसको मैं m मान लो इसको मान लो कितना 2m। इसका सेंटर मास से l by 2 पे है इसमें 2l होने पे इसका मास मैं यहां मान लूं ये 2m वो l डिस्टेंस पे आ गया। तो अगर मैं इसको यहां शो कर दूं एक बार ऐसे ही ये लो ये इसका ओरिजिन और ये इसका मास हो गया आपका m तो और ये भी इसका मास कितना 2m और ये डिस्टेंस सर कितनी हो गई l by 2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई l हो गई। l हो गई। अब अपना फार्मूला है वो लगा दें इस पे। यस सर। तो देखो आपका ये अब xpy दोनों पे है ना r से लेता हूं डायरेक्ट r से लिख लेते हैं। या देखो इसमें ऑप्शन दो l by 2 l by 4 l by 6 अलग-अलग है ना। या देखो इसमें 12 by 3 दोनों तो नहीं सर अलग-अलग है सर इसमें सब अलग-अलग है हमें सॉल्व करना है। चलो तो टोटल मास कितना सर। टोटल मास हो गया 3m। तो नंबरिंग कर दो अपन कह रहे थे नियम बनाना अपने को तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट में कितना m into l by 2 m into l by 2 i cap एक्सेस में प्लस ये आपका 2m into और बोलो सर l और j cap m सब में है उड़ा दूं तो l को मैं ले लूं। यस सर। तो l अलग कोई दिक्कत नहीं अलग लेना है 3 तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हमने नहीं यहीं इसको यहीं खत्म करते हैं अपने पास दोनों एक तो पता है जे का पता है तो यहाँ देखो ये अपना है एल बाई टू आई केप तो एल बाई सिक्स हो गया। ठीक है एल बाई सिक्स आई केप प्लस ये है 2/3 तो 2ly तो 2l/3 जे केप तो एल बाई सिक्स ये नहीं ये नहीं ये इनमें से कोई सा है ये आंसर। ठीक तो अब बच्चों देखो जैसे सर ने पहला क्वेश्चन कराया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था उसमें हाँ, उसमें अगर पार्ट हटा दिया तो किस तरफ शिफ्ट इस तरह भारी कौन सा हो गया बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपका हुआ अगला क्वेश्चन Of mass m is thrown upward and another ball of mass same mass is thrown downward so as to move freely under gravity. The acceleration of center of mass. देखो ये बोल रहा कि दो गेंदें हैं एक को फेंका गया है और दूसरे दोनों का जो acceleration है वो center of मतलब under gravity मतलब g है दिया हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो मतलब एक बॉल तो नीचे से फेंके ऐसे इस तरीके से फेंकी गई है और दूसरी बॉल इस तरीके से इस तरह से तो इसका acceleration g है तो सर इसको मैं j मान लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अपने लोग लिख लेंगे माइनस का जी जे का और इसको लिख लेंगे प्लस का जी जे का। सही है सर। नहीं प्लस तो सर कैसे मान लेंगे नहीं मतलब अपवर्ड फेंकी गई है अपवर्ड होने पर भी जी तो अपना नीचे होता है सर। तो सर ये आप क्या बोल रहे थे कि जी जी तो भी एक जैसे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ऊपर को प्लस माने नीचे को प्लस माने हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु एक प्रश्न में अगर आपने ऊपर को प्लस मान लिया ना, तो ऊपर को प्लस मानना ही पड़ेगा, फिर जीत तो सबके नीचे ही होता है। हाँ जी, मेरी तो ये राय करती है साहब। अच्छा, इसमें ये लिखा है गुरुत्व के अधीन, ये इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें मतलब अपन उसको ऐसे मान लें। अब मैं इसको देखो अच्छे से क्वेश्चन को ठोक दूं, देखो बढ़िया से बच्चों की हेल्प कर दूं। देखो बहुत शानदार चीज है, पहले इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर इसका बिल्कुल एक ट्रिक बताता हूँ शानदार सी। क्वेश्चन कैसा भी आए आपका आंसर तो टंगाटंग आए ना। देखो ध्यान सुनो, पहले ये हमारे पास क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक मास है स्मॉल एम, ये मास आपका स्मॉल एम, एक को हमने नीचे फेंका है, ध्यान सुनना, एक को नीचे फेंका है और दूसरे को ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, दोनों फेंके गए हैं, तो दोनों की अपनी कोई कोई स्पीड है। मान लो इसकी स्पीड को U1 से नीचे अपन गिराया है और इसको अपन U2 से फेंका है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा जी, मान लो ये ग्राउंड से आपने फेंका, अब चूंकि आप जानते हो कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है फिर भी इसका जो जी है वो तो अंडर ग्रेविटी नीचे ही है, इसमें नीचे आ रही है तो भी इसका जी आपका नीचे है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार यदि इसको मैं 1 मान लूं, इसको मैं यहां पे 2 मान लूं, तो इसका A1 कितना है माइनस का जी जे के, और इसका A2 कितना है माइनस का जी जे के। क्यों सर? सही है, बिल्कुल। अब इसका अपन पूछा क्या था, सेंट्रल मास का सॉल्यूशन, तो ACM आपको पूछा है। तो देखो M1A1+M2A2/M1+M2 कर दो इसको, तो हमारे पास मास तो स्मॉल m है, तो m m, और ये पहला था हमारा माइनस का जी जी जे के जी के प्लस m और माइनस का जी जे के अपॉन 2m, ठीक है सर, बोलो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों माइनस के तो डबल हो गया ना, माइनस के डबल हो गया, तो ये माइनस का 2m जी जे के अपॉन 2m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, आपको मान लो ये मास M1 है, M2 है, मान लो ये M है, 2M है, ये 3M है, 4M है, या मान लो इसको आप इस एक को ऊपर फेंक रहे हो, एक को इस तरफ फेंक रहे हो, एक को नीचे फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो, इन एनी कंडीशन दो जो पार्टिकल हैं, एक को आप ऊपर फेंक रहे हैं, एक को नीचे, या एक को आप फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टल, इन सारे केसेस में देखो आप अगर इस तरह फेंकते हो ना, तो ओनली उसका इनिशियल वेग ही तो इफेक्ट कर रहा है, और वेग तो डिपेंड नहीं कर रहा। सही बात है, तो हर किसी कंडीशन में इसका आंसर माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा हर किसी क्वेश्चन में, चाहे मास अलग कर दो, चाहे आप किस तरह इसको किसी थीटा एंगल में फेंक दो, चाहे बहुत काम होता रहा हूं आपको मैं, आप किसी भी कंडीशन में कैसे फेंक दो, इसका तो माइनस जी रहना है, इसका भी माइनस जी रहना है। तो इन एनी कंडीशन, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी वेलोसिटी, इस पूरे सिस्टम का सेंट्रल मास का जो सॉल्यूशन कितना है, माइनस का जी आ जाएगा। जी बहुत शानदार बात, आप इसको टिक सकते हो, नोट कर सकते हो सर। हाँ सर, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट। अच्छा सर, इसको हम लोग इस तरीके से करें, अगर जैसे जो अर्थ इसको खींच रही है दोनों को, तो एक्सटर्नल फोर्स मान लें, बिल्कुल, तो एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे तो बच्चों जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा जी, अपॉन 2m, अपॉन 2m। जैसे अगर हमने लिख लिया f एक्सटर्नल, एक तरीका बच्चों ये भी जान लेना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2mg, ये किस वजह से आया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार आपकी वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो f एक्सटर्नल आपका कितना सर हो गया, 2mg आ गया, तो f की आप कर दो इसको m into acm, acm यार m कितना, 2m, 2m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, ये लो और सॉर्ट हो गया, और सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तरीके हैं, बस आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे, तो ये चीज भी इसमें आप इनपुट कर लें। और इसमें तो मैंने आपको बताया कि किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में इसको आप फेंक दो, तब भी इसका आंसर कितना, माइनस का जी आएगा। बढ़िया सर, आगे तो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपका 22। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 3 मासेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, 300 ग्राम है, फिर 500 है, फिर कितना, ये ऐसे रखे हुए हैं, तो इसको अपन सीधे ही थोड़ा एक्सिस पे बना लेते हैं, प्रयास करते हैं, एक्स एक्सिस होगी, तो पहला वाला रखा है, मतलब 3 ग्राम वाला है, हां पूछ आपने को है सेंट्रल मास की दूरी। अच्छा, अब तो कई बार मान लो ये पूछ ले सर हमसे कि 40 सेंटीमीटर दूरी कितनी, कहां से कितनी है, 70 से, जहां से दूरी पूछे उसको मानना है अपने को, ओरिजिन नया ओरिजिन मानना है, मतलब बाय रेफरेंस मानने चले, तो अपने को यहां तो पूछा कहां से, यहां से पूछा है, तो ये मान लिया अपन ने एक्स एक्सिस, ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस,
गलती से मान लो प्रश्न पूछता है 40 सेंटीमीटर वाले बिंदु से सेंटर मास कहां लाई करता है, तब आप क्या करोगे, तब आपको ये करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा ओरिजिन। तो ये मान लिया हमने इसको एक्स एक्सिस, ये बन गया अपना रेडियस कौन सा y एक्सिस। इस यहां से निकालना हो तो यहां से अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस, फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट आपको लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कृष्ण हमारा क्या था इसके लिए, मतलब 300 से पूछा गया बिल्कुल। तो एक्सियम इक्वल टू टोटल मास कितना 400, 500, 900, 300, 1200 सब एक्स में है, ये तो 300 ये जीरो हो गया, पर 2000 प्लस 28 एक जीरो दो, एक दो और तीन, और यहाँ कितना हो गया 20000 हो गया। हाँ तो 20000 और 20 ये हो गया आपका 48 एक दो और तीन अपॉन 1200 दो बिंदु इससे हटा दो 48 सेंटीमीटर आ गया मेरे हिसाब से। तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 4 तो ये 40 आ गया 40 सेंटीमीटर तो आंसर हो जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर बिल्कुल थर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें मेनली ध्यान रखना कि सर ने जैसे बताया जिस पॉइंट से पूछा जाए उसको ओरिजिन मान लें और उसके बाद एक्स वाई को आराम से क्वेश्चन को थोक डालो। ठीक है सर, आराम से आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। तो बढ़िया अपन आए क्वेश्चन नंबर 23 में, जो 23 बोला ए बॉम्ब ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड बी एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इट एक्सप्लोड इन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास इफ वन फ्रेगमेंट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन द रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है बिल्कुल, तो पहले क्वेश्चन करते हो नीचे गिरा था, हाँ वो नीचे गिरा था गिरने दो ये चल रहा था उसको चलने दो बस चलने दो बिल्कुल। हाँ तो बताएं सर, अब अपन लोग अगर इसकी बात करें जैसे मैं रेंज की अगर बात करता हूं तो ये इस तरीके से मान लो अगर नहीं जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड नहीं हो रहा तो इस तरफ यहाँ पे आता बिल्कुल, मतलब सेंटर ऑफ मास भी हमारा यहाँ पे आके गिरता बिल्कुल। ठीक है, अब ये बीच में टूट गया तो एक तो यहाँ आके तुरंत गिर गया और ये कहीं भी उछाले जाएगा बिल्कुल। तो देखो बच्चों इसमें जो बात हो रही है ना जो फोर्स था इसमें वो तो उतना ही का उतना ही लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो हमसे पूछा क्या है द्रव्यमान के द्रव्यमान केंद्र की परास बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सर्व तो वहीं गिरेगा तो ये वहीं आएगा। हाँ तो ये तो आर ही होगी, ये तो आर हो गया, तो आर का फॉर्मूला बच्चे जानते हैं स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जी, तो फोर्थ हो गया मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ फोर्थ होगा बिल्कुल बिल्कुल। बढ़े आगे सर, तो अगला क्वेश्चन आप आ जाते हैं 24 पे, 24 बिल्कुल सर, इसको भी आप खेच दो फटाफट। तो ये बोला है मासेस A 2 4 2 kg are placed at corner of ABCD respectively of a square ABCD side of 80 cm the distance of center of mass from A will be। हां ये किस तो सर वो आ गया अपना A से दूरी पूछ ली, हां अब A को मानना पड़ेगा मेरे हिसाब से ओरिजिन बिल्कुल, तो वही उसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। तो बच्चों इसको अपन लोग जैसे ये मान लिए A यहां मान लेते हैं B A C और D, उसमें सेंटीमीटर हमें कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये 80 सेंटीमीटर होगा ये 80 सेंटीमीटर और ये भी 80 सेंटीमीटर होगा। हाँ, तो अब सर इसको ऐसे करते हैं इसको कोऑर्डिनेट में बदल देते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 80, 0 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा बिल्कुल और ये 0, 80 आ जाएगा। अच्छा। अब हमसे द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछी है तो एक काम करते हैं हम लोग आरसीएम निकाल लेते हैं और आरसीएम सीधे लिख के तो अच्छा पहले मास के बाद लिखो सर इसका मास हां मास 8 2 4 2 है ना, हां 8 2 2 4 और ये 2 2 ठीक है सर यस ए बी सी डी ये है। हां अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको तो फोन लगाना पड़ेगा बच्चे को ना। हां बिल्कुल हां ठीक है, तो अगर मैं आरसीएम की बात करता हूं तो इसको सीधे वेक्टर के फॉर्म से करते हैं तो ये बन जाएगा m1 R1 प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 16 हो गया 16 में, चलो हाँ ठीक है M3 M4 का यहाँ लिख देंगे चलो आगे बात करते हैं। तो अब सर इसकी बात करते हैं M1 तो ये तो इसको तो यहीं उठा देंगे खत्म कर देंगे, हाँ इसको यहीं खत्म कर दो इससे आगे कंफ्यूजन नहीं है। M2 कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2, इसको पूरा यही करवाता हूं देखो कितना आया 2 160 हो गया ना 160 और आर एक्स में आई कैप, हां तो 2 into 80 आई कैप। ठीक है सर, अब देखो ये इस पे अपने लोग आएंगे, हाँ तो ये एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी है, हाँ तो कितना जैसे ये 320 आई कैप और 320 जे कैप 320 जे कैप हो जाएगा, हां लिखो इसको फटाफट। ठीक है तो ये 320 आई कैप प्लस 320 जे जे कैप। अब इसकी बात कर लेते हैं ये किस पे चल रहा है, ये ओनली आप y एक्सिस पे y एक्सिस पे है तो ये 8 * 16 160 हो जाएगा यस यस 160 j के 160
जेके अपॉन 16 अपॉन 16। अब देखो मुझे लग रहा है जैसे इसमें दो तो आई वाले हैं, दो ही जे वाले हैं, तो ये कितना है 160 और ये 320 आई वाले, एक तो 160 हो गया ठीक है, और एक है 320, तो 320 और 160 480 आ गया, 480 हो गया, तो मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर, 480 आई केप प्लस 480 ही जे केप अपॉन 16 1648 ठीक है, 30 आई केप और 30 जे केप, तो 30 आई केप 30 आई जे केप आपस में 90 पे है, तो रूट टू टाइम्स हो गया, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आ गया 30 रूट 2 सेंटीमीटर, यही आएगा, तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, यस यस, अगर बेहतर हुआ होता तो आप लोग तो आंसर ही हो जाता ठीक है सर, 30 आई के प्लस 30 जे के। अब देखो मैं एक मुझे थोड़ा सा दिमाग मेरा काम कर रहा है, हाँ सर, कि जैसे आप एक बार देखें ये मास हमारा था देखो 2 ठीक है, थोड़ा सा इसमें कलर कर लूं, कलर थोड़ा सा और अच्छा कर दूं आपके लिए, ये है मान लो यहाँ पे 2 है, 2 है, ये अच्छा इधर भी 2 है, 2 है, तो 2 और 2 है, तो इसका सेंटर मास ठीक बीच में आ गया, यहाँ यहाँ हो गया 4 ठीक है, एंड टोटल मास 4 हो गया, अब ये भी 4 ये 4 4 ये बीच में यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 8 हो गया ठीक है, ये भी 8, तो अब ये डिस्टेंस निकालो ना आप उसके आधी कर दो, तो ये तो और दिन आसान हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, अपना माइंड से आप अच्छा कर सकता है, करना ही नहीं, हाँ बिल्कुल, दो सेम हो तो भी इसको बिल्कुल मिड में होता है, हाँ तो आपने कहां स्टार्ट किया, 2 2 बीच में आ गया, यहाँ 4 पास मान लो, तो ये 4 और 4 इसका बीच में आ गया, अब बिल्कुल मिड में है, तो अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये भी ए है, ये 80 है ना, ये इसके 80 होने पर आपकी है 80/2√2 ठीक है, 80/2√2 ये भी 80/2√2, अब ये देखो इसको इसमें जोड़ के इसकी आधी कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ, मतलब ये तरीका हम लोग तभी बच्चे ये बच्चे की समझ के लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है बिल्कुल, ये क्वेश्चन सिर्फ आप अपने वैसे अगर बच्चा सीख जाए तो आपको जो तरीका जो आपको उसमें बच्चा उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमें टाइम पे ध्यान रखना है बिल्कुल, अपना क्वेश्चन 24 आंसर है वो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया, बढ़िया आ गए, हां सर, अब आते हैं अपन क्वेश्चन 25 पे बिल्कुल सर, तो इसमें मैं थोड़ी सी पहले बच्चों को गाइड कर दूं, ये क्वेश्चन आपका रेक्टेंगुलर प्लेट का है, अब चूंकि इसमें तो मैथमेटिक्स इतने इसमें कॉम्प्लेक्स है कि इसकी वैसे कर नहीं पाओगे, तो आप या जैसे हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं और इसकी जो तुल्यता देखते हैं इक्विवेलेंसी, तो अगर मैं इसको एक रोड मान लूं और इसको रोड मान लूं, एक रोड इसको रोड मान लूं, तीन रोड से मतलब रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल तीन अगर समान द्रव्यमान के पर रोड मान करके और फिर इस सिस्टम का अपन सेंटर मास निकालते हैं, तो जो रोडों का निकाय का सेंटर मास आएगा वो और इस प्लेट का बिल्कुल एक ही आता है, इसलिए हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करके इसका आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, तो अगर मैं इसको यहां से इस तरह से बना लूं, ये हमारे पास एम मास की रोड है, ये भी एम मास की रोड, ये भी आपकी एम मास की रोड, अब इसको सर आप आगे बता दो कैसे अपन करेंगे, तो सर आप जैसे हमारे पास ये आ गया, तो इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, कलर से सेंड कर लो इसका, नहीं तो बच्चों को दिखेगा नहीं, ब्लैक कर लो या रेड कर लो, रेड बिल्कुल, हाँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, बी बाई टू, बी है बी बाई टू, तो ये बी बाई टू आ जाएगा, यस बी बाई टू कॉमा जीरो, यस यस, और इसका कितना आ जाएगा, ये आपका एच बाई टू जे के जीरो कॉमा एच बाई टू, यस, और इसका सर कितना आएगा हमारे पास, दोनों इसी बी बाई टू और एच बाई टू, एच बाई टू है बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको अपने लोग लिख लेंगे बी बाई टू कॉमा एच बाई टू, एच बाई टू, तो देखो बच्चों ये जो पहले तो हमने क्या करा, इसको रॉड में कन्वर्ट करा, रॉड के बाद इसको हमने पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको वही फार्मूला लगानी है एम वन एच वन, लगा दूंगा, हाँ सर, तो ये आपका आरसीएम, आरसीएम में मास तो टोटल 3m हो गया, 3m हो गया, अब जैसे इस फर्स्ट वाले में आपका है m * b / 2, b / 2 ठीक है, b / 2 i cap, i cap प्लस दूसरे वाले में आपका है m * b / 2 i cap प्लस m * आपका h / 2 h / 2 j cap, j cap, और साथ में इसमें अपन और उसको लिख दें साथ ही m * h / 2 j cap, तो बी वाला सर कौन कौन सा है, ये दो रहेगा ना, तो हाफ और हाफ वन, हाफ और हाफ वन, वन हो गया, तो एम से हम कैंसिल, ये कैंसिल, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, मतलब बी बाई थ्री और एच बाई थ्री, यस यस, तो एच बाई थ्री और बी बाई थ्री आ गया, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया, और इसको याद रखें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लेट इस तरह से रखी हो तो उसका यहां से सेंटर मास उसी कोऑर्डिनेट है ना वो आपको मिल गए कितना एच बाई थ्री और बी बाई थ्री, ठीक है सर, बढ़े आगे, यस सर, ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 26 आप देखो, तो ये बोला टू बॉडीज ऑफ 10 केजी एंड 2 केजी आर मूविंग विद वेलोसिटी 2i, ये मतलब वेलोसिटी दे रखी है और ये दूसरी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बात कर रहा हूं, जैसे सर ने बताया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, पहले तो उन्होंने सर ने बोला था कि m1 r1 + m2 r2 ये वेक्टर की फॉर्म में लिखो,
और फिर m1 प्लस m2। अब क्या बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर मैं BCM इसको डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं तो ये m1 b1 बनेगा प्लस m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही बात कर रहे थे सर अपने लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तब अब ये फार्मूला आ गया, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यस। तो m1 हमारे पास कितना है, m1 है 10, और इसके बाद जो b1 हमें देखो वेक्टर है तो वेक्टर की फॉर्म में रखना है हमें। यस। तो ये 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k, ठीक है सर। यस। और m2 हमें कितना दिया हुआ है, 2 kg, और ये दे रखा हमें 10i माइनस 10i के प्लस आप लिखो प्लस 35j के माइनस 3k के माइनस 3k के अपॉन 12 अपॉन 12। बिल्कुल सही है सर। यस। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, इसको यहीं देख लेना। हाँ सर। जैसे ये हमारा है 20i के, ठीक है, ये है माइनस का 20i के, तो ये खत्म हो गया, तो i तो नहीं आएगा। ठीक है, i नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है आई के बल। हाँ ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे, ये आ गया -70 -70 और वो भी 70 आएगा। 70 तो जे वाला भी नहीं है, तो ये भी इसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये बचा। ठीक है सर, ये बचा बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी ठीक है, और इसे फिर आप जे वाला निकालते हो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 के। अब ऐसे सर कट भी रहा है, ये कट गया। हाँ ये कट गया। हाँ ये सब कट रहे हैं, कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, आपको आ जाएगा। जैसे देखें तो ये हमारे पास कितना था, ये हो जाएगा 30 30 और उधर हो जाएगा -6 माइनस है 6 तो कितना 24 24 ये बचेगा 24 के, ये तो एक अपॉन 12 अपॉन 12 तो 2 के आ गया, 2 के आ गया। ठीक है सर, तो डाटा भी ना एग्जाम में बहुत सिस्टमेटिक रहता था कि बच्चा बहुत इजीली कैलकुलेशन करनी ना पड़े। सही है, मैं तो उनका मैं रहता है कॉन्सेप्ट चेक करना। तो आगे बढ़े अपन। हाँ सर, क्वेश्चन आपका हो गया 27। तो बिल्कुल ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप देखें। तो सर ये बोला था पार्टिकल ऑफ मासेस m 2m एंड 3r 3m ग्राम आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट डिस्टेंस l 2l एंड 3l सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें से हमें देखो मैं समझ गया क्वेश्चन को। हां सर, मैं इसको जल्दी छोड़ दूं थोड़ा सा ना, ताकि मैं समय बच जाए अपना। मान लो पहला मास है कितना स्मॉल m, ये दे रखा है, दूसरा मास है हमारा 2m, तीसरा मास है 3m, डिस्टेंस कितनी इसकी l, ये आपकी 2l और ये 3l, मेरे हिसाब से ये है। हाँ सर, देखो ये हमें फिक्स पॉइंट दे रखा है। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं अब कर दो आप सर, कि जो फिक्स पॉइंट है उसको अपने ओरिजिन मान ले, ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसका तो मैं कोऑर्डिनेट सीधे लिख दूंगा l, 0 सर। हाँ, और इसका 2l, 0। हाँ, और इसको मैं लिख दूंगा 3l, 0। सारे x में ही है, x में है तो x। अब बच्चों को एक बात और सिखाएं सर, कि क्या हम इसको बिना पेन कर सकते हैं क्या? तो जैसे ये आपका ml, इनको मतलब मल्टीप्लाई करके ना। हाँ, ये आपका 4ml, ये 4ml हो गया, ये 9 9ml, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13 प्लस 1 प्लस 1 14 14 तो 14ml ml अपॉन मास कितना 3 टू 5 और 6 से बोला क्या मैंने। हाँ सर, 6 हो गया, 3 6m, 6m से m कैंसिल हो गया, तो 7/3 आ रहा है मेरे साथ, 7/3 तो आंसर है सर इसमें दिया हुआ। देखो बच्चों, ये तो तरीका बहुत सर, 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 सर ने सही बता दिया कि सीधे लिख के आंसर निकाल दो। अब ओनली एक्स एक्सिस होने पर नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग, तो एक्स एक्सिस होने पे बिल्कुल जिस तरह से कर सकते हैं, नहीं बच्चा प्रैक्टिस करके तो समझ में आ जाएगा। हाँ, और ऐसे आना भी चाहिए बच्चों, माइंड का इस्तेमाल। भाई देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के अंदर, कि आप अपना जो माइंड है ना, वो ज्यादातर इसमें पेन में पेपर में शुरू में करना पड़ेगा, पर शुरू में पेन पेपर से थोड़ा माइंड है माइंड में लाओ, और दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखो, ये आपके ज्यादा काम करेगा। तो बड़े सर आगे क्वेश्चन है। हाँ सर, तो क्वेश्चन आपका ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, 28th। तो और ये भी एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए प्रश्न है, तो सर मैं इसमें इसमें की चीजें बच्चों को बता देता हूं। तो देखो, इसमें कई बच्चों को चीजें सीखने वाली भी मैं आपको शेयर करता हूं। क्वेश्चन ये है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ए and the acceleration of b is 2a, the acceleration of the center of mass of the system is, तो बात तो की जा रही है इसमें center of mass of system की। तो पहली बात तो ये है कि दो पार्टिकल हमारे पास है, ये देखो सर एक बात बता रहा हूँ। yes. ये एक बात ये भी अपने अब इसका भी हम लोगों को यूज करना है अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो है इसका। हाँ, जान इक्वेशन तो बनता है इसी से, ये पे बना हुआ है, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं कोई। अगर वो पार्ट एक इस पर तो मैं हटा दूं, हटाने पे तो क्वेश्चन का आंसर ही लगा देगा सर। हाँ,
तो देखो इसमें मान लो ये हमारे पास पार्टिकल है, इसमें मास दे रखे नहीं क्या? मास नहीं दे रखे, मास दे रखे नहीं। मान लो इसको m1 मास है, आपका है m2 मास, m2 मास, और इनिशियली कहीं रखे हुए थे इनको फ्री कर दिया, तो ये मोशन शुरू करेंगे, तो इस पे फोर्स आपका f1, और इस पे फोर्स तो दोनों मोमेंट बराबर ही होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स में इफेक्ट में काम करेंगे। अच्छा अब सुनो, ये एक m1 m2 मास का सिस्टम था, और मान लीजिए किसी इंस्टेंट से डिस्टेंस कितनी r थी, तो फोर्स कितना है, इस फोर्स कितना g m1 m2 / r2, और यहां पे कितना g m1 m2 m1 m2 / r2, तो इसका फोर्स इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, पर ये बल हैं और इन बलों का सोर्स सिस्टम के अंदर है, इसको हम कहते हैं आंतरिक बल। आंतरिक बल है, और आंतरिक बलों का जो सिस्टम में योग होता है हमेशा कितना? जीरो होता है। जीरो मतलब आंतरिक बल त्वरण नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपन अभी एक पीछे पर क्वेश्चन क्या था ना, कि एफ जो नेट होता है उसको मैं यहां लिखता हूं एम इंटू एसीएम, ठीक है सर, एम इंटू एसीएम, पर ये एफ नेट हमेशा है कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये तो हमारे पास कितना है? जीरो है, जीरो है। जब ये जीरो है तो ऐसे में एसीएम भी कितना? जीरो आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो पार्टिकल अगर उनके बीच लगने वाले म्यूचुअल फोर्स के प्रभाव में गति स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि इसके आंतरिक बलों का योग हमेशा कितना शून्य है, तो गति के प्रत्येक क्षण पर इसके सेंट्रल मास का त्वरण कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब इसके नेट फोर्स भी जीरो है, इसका एसीएम भी जीरो है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है कि आरंभ में कैसे रेस्ट में है, जब आरंभ में रेस्ट में है तो मान लो कहीं इस सिस्टम का सेंट्रल मास यहां था और ये इसकी लोकेशन थी, तो सेंट्रल मास इस बिंदु पर ही बना रहेगा। जब इस बिंदु पर बना रहेगा तो मान लो मैंने यहां से इसको छोड़ा और ये ग्रेविटेशन फोर्स जो इनके अंदर लग रहा फोर्स उसके इफेक्ट में गति करना शुरू करेंगे, ये गति करते करते लास्ट में कहां टकराएंगे? सेंटर ऑफ मास में। जब सेंटर ऑफ मास टकराएंगे तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल r1 है, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आपकी r2 है, तो ये r1 r2 जो है, एक बात देखो मैं आपको और इस बताता हूं, क्योंकि उस बात के बिना सेंटर ऑफ मास टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको तो बताना बहुत जरूरी है। देखो कलर बदल लो एक बार, ये मास मान लो हमारे पास m1 है, ये मास है m2, m2 दोनों को हमने रखा है r दूरी पर, ठीक है, और ये इसका है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास की अबाउट जैसे मोमेंट ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2, इनका समेशन कितना? जीरो होता है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास, देखो एक होता है जड़त्व आघूर्ण, ये मैंने सब लिया द्रव्यमान आघूर्ण, मोमेंट ऑफ मास, मास और जो पोजीशन वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पर ये भी एक बात ध्यान करना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मानता हूं ओरिजन, तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजन लेने पर इस सेंटर ऑफ मास के परिताय है, चाहे दो कण है दो से ज्यादा कण है, उन सारे कणों के सिस्टम का जो द्रव्यमान आघूर्ण है उनका सदिश योग कितना? हमेशा जीरो होता है। अब इसी हेल्प से देखो मैं लिखता हूं इसको एम वन आर वन, वेक्टर फॉर्म लिख दो तो माइनस हो गया आपका m2 r2, और इसकी हेल्प से देखो ये r1 और r2 है मैग्नीट्यूड के रूप में बन गया आपका रेशियो कौन सा? m2 by m1, बात सही है? सही है। अब देखो हमारे पास इससे रेशियो आ जाएगा, तो r1 रेशियो r2, जैसे मैं लिखूं इसको r1 रेशियो r2 बराबर m2 रेशियो m1, तो यहां जो सेंट्रो मास इससे दूरी कितनी है, जैसे इसकी डिस्टेंस में यहां से कहता हूं ये सेंट्रल मास यहां से मान लो r1 डिस्टेंस पर है, यहां से r2 डिस्टेंस पे, की डिस्टेंस कहां कितनी है, ये बच्चे को बहुत फास्टली आनी चाहिए। तो मान लो मैं यहां से r1 निकालता हूं, तो मुझे r1 यहां पे मिल चुकी है, देखो सर क्या होनी चाहिए, देखो m2 m2 अपॉन अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 इनटू r, इस तरह से हमारा r2 कितना बन जाएगा, वो m1 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू r। तो इसको बहुत इजी याद रखो कि जिससे आप डिस्टेंस ज्ञात करते हो ना, उसके दूसरे वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस, आप यहां से निकालते हो तो ये मास अपॉन टोटल मास इनटू आर कर दो, ये अपने को आना चाहिए। तो इस तरह से अपने इसको डिस्टेंस को बांट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो मैं पीछे वाले क्वेश्चन वापस आता हूं, देखो अपना क्वेश्चन था ये कि ये मान लो मास m है, ये मास मान लो मैं ऐसे करूं 4m, ठीक है, और डिस्टेंस मान लो ये रखिए r, ठीक है, और क्वेश्चन बोला कि हमने r डिस्टेंस इनको छोड़ दिया, और ये बोला कि इनको फ्री करने के बाद इसका सेंटर, मान लो वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, m 4m इनिशियल रेस्ट में है और इनको फ्री कर दिया,
और एक ग्रेविटेशन फोर्स जो कि एक आंतरिक म्यूचुअल फोर्स है उसके इफेक्ट में मोशन करना शुरू करते हैं। आपसे पूछते हैं कि कहां टकराएंगे, सेंटर मास की स्पीड कितनी होगी, इसका एसीएम कितना होगा, इसका वीसीएम कितना होगा। तो इसका वीसीएम भी जीरो है, इसका एसीएम भी जीरो है, इस पर एफ नेट एक्सल भी कितना आपका जीरो है। कहां टकराएंगे, सेंटर मास पे। कितनी डिस्टेंस तय करेगा एम, तो इस एम वन की डिस्टेंस आर वन है वो कितनी, इसका मास यानी 4m अपॉन टोटल मास यानी 5m इनटू r बढ़ाओ, ये आपका 4 अपॉन 5r यानी 0.8r आ गई। ठीक है सर, है ना। अब बची डिस्टेंस कौन सी, 0.2r इसकी आ गई, ये कवर करेगा। तो ये इतनी चीजें करने के पश्चात टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपने जैसे सर आपने बता दिया कि सेंटर ऑफ मास हमारा कितना जाएगा, वो भारी वाले मास, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 0.2r ही आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी के साथ अब चूंकि अपने बहुत अच्छे से आपको ये सेंटर ऑफ मास है इसको डिस्कस करके आपके सामने 28 क्वेश्चंस का बहुत शानदार क्लेक्शन प्रोवाइड करा है, तो पूरा विश्वास है कि जो सीएलसी की गुरुनीति का जो अपने ये 10th एपिसोड आपको दिया है इसको ढंग से आपने पढ़ना है और क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं। सीएलसी आपके साथ कितना काम कर रही है, लॉकडाउन और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, एक तरह से जब तक आपकी स्कूलें या इंस्टीट्यूट नहीं खुलते हैं तब तक आप इन चीजों का सारा लेंगे, और सीएलसी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छे काम के साथ एक टीम के साथ आपको बहुत अच्छा काम दे रही है। इसको ढंग से अपने नीट के सिलेबस के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए अच्छे से काम में लें और अपना सिलेक्शन है वो श्योर करें। तो क्यों सर, अब बंद करें अपने इस लेक्चर को यहीं तक। हाँ सर, ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।